हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण लड्डा और आप विजेंद्र पटेल सर, टीम सीएलसी फिजिक्स, फिजिक्स इको फॉर नीट 2021 टेस्ट 11 में आपका स्वागत करते हैं। इस सेशन में हम वेव थ्योरी, वेव ऑप्टिक्स और डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको एक इंफॉर्मेशन और बता दें, हम एक नई टेस्ट सीरीज डीसीएम 28 जून से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें नीट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को हम कंसीडर करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, जो आपकी नीट की रैंक को इंप्रूव करने में आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। और पहला क्वेश्चन अपना बोला है, द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेंड विद टू कोहेरेंट लाइट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी रेशियो एन। इन द इंटरफेरेंस पैटर्न द रेशियो, हमें एक ये फार्मूला दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि हमारे पास दो सोर्स हैं जिनके जो तीव्रताएं दी हुई हैं उनका रेशियो हमें दे रखा है, ठीक है। तो अगर अपने लोग पहले वाले की इंटेंसिटी मान लेते हैं I1 और दूसरे वाले की मान लेते हैं I2, तो इनका जो रेशियो हमें दे रखा है वो दे रखा है N, क्लियर है। अब हमें जो फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना है Imax माइनस Iminimum डिवाइड बाई Imax प्लस I mean. इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो अगर मैं Imax लिखता हूं, आपने लिखा Imax, इसकी वैल्यू कितनी आती है, अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप Iminimum लिखोगे तो ये लिखा जाएगा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम लोगों को यहां पुट करनी है, ठीक है। तो अलग अलग इसको पहले टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप लिखोगे Imax Iminimum, ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फार्मूला हमें यहां लगाना है। मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। फिर एक बार आपको लगाना होगा ए माइनस बी का, तो ये लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो आप देखो इसमें Imax माइनस Iminimum, मतलब पहले a प्लस b का होल स्क्वायर में से माइनस करना a माइनस b को, तो ये कितना आ गया, जब आप इसको लिखोगे 4 अंडर रूट I1 I2 ये आ जाएगा हमारे पास। अब अगर मैं लिखता हूं Imax प्लस Iminimum प्लस Iminimum, ठीक है। तो यहां से जब आप देखोगे तो ये माइनस वाले टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसका भी डबल है। तो आप यहां पे लिखो कितना आएगा, 2 I1 प्लस I2 अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर, तो 2 I1 ये आएगा हमारे पास 2 I1 प्लस I2 I1 प्लस I2 आ जाएगा। अब इसका हमें रेशियो फाइंड करना है, डिवाइड कर देना, तो यहां पे अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो ये बनेगा हमारे पास Imax Iminimum, तो ये बना हमारे पास 2 और इधर आ जाएगा अंडर रूट I2 और I1 प्लस I2। तो यहां लिखो ये बनेगा अंडर रूट n, सिंपलीफाई करते हैं इसको और ये 2 आ जाएगा और ये हमारे पास n प्लस 1 आ जाएगा। आंसर चेक करते हैं इसका, आप इसको I2 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा हमारे पास, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 3rd से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट वी कैन नॉट एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ, ऑप्शन 1 इज इंटरफेरेंस, ऑप्शन 2 डिफ्रेक्शन, ऑप्शन 3 फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड 4th इज पोलराइजेशन। देखिए हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा स्पष्ट नहीं कर सकते, पहला प्रकाश का व्यतिकरण, दूसरा प्रकाश का विवर्तन, तीसरा प्रकाश विद्युत प्रभाव और चौथा प्रकाश का ध्रुवन। देखिए जो तरंग सिद्धांत है उससे व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन और ध्रुवन, ये तीनों तो पॉसिबल होता है, ठीक है। आपको बोला स्पष्ट नहीं कर सकते, तो स्पष्ट क्या नहीं कर सकते, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये कणीय प्रकृति को दर्शाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इज शोन बाय लॉन्गिट्यूडल मैकेनिकल वेव्स ओनली, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स ओनली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओनली एंड जो 4th ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव टाइप्स ऑफ वेव। तो बच्चों देखो इसमें क्या बोल रहा है हमारे पास कि इंटरफेरेंस कौन शो करता है, तो आप लोग जानते हैं जो इंटरफेरेंस है वो हर टाइप की जो वेव है वो शो करेगी।
अब हम लोग चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है। देखो अगर मैं लॉन्गिट्यूडल की बात करूं तो ये तो सही है, मगर यहाँ पर क्या आ गया, ओनली आ गया, तो ये गलत है क्योंकि ट्रांसवर्स वेव भी शो करती है। ऐसे अगर हमने ट्रांसवर्स वेव की बात करी तो ये भी शो करेगी मगर यहाँ पे ओनली, तो ये भी गलत हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करती है मगर ऐसा नहीं कि सिर्फ ये करेगी, तो ये भी गलत हो गया। आप क्या बोलोगे, जितनी भी इक्वेशन है मतलब जितनी टाइप की वेव दी है सभी करेगी, सभी करेगी लॉन्गिट्यूडल ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कोरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटीज आई एंड 4i are superposed. The maximum and minimum possible intensities in the resulting beam are. देखिए आपको दो एक वर्णीय ससंजय किरणों की तीव्रताएं दी हुई है जो कि आपके i और 4i है। अब इनके अध्यारोपण से जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा बनेगा उसकी तीव्रताएं क्या होगी, तो हमें पहले मैक्सिमा निकाल लेते हैं। तो जो i मैक्सिमम होगा वो होता है आपके रूट i1 प्लस रूट आई टू, तो रूट आई वन तो हो गया आपका रूट आई प्लस रूट आई टू हो गया फोर आई इसका होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट आई बाहर आके आई हो गया और ये वन प्लस टू का होल स्क्वायर, तो ये आपका थ्री का स्क्वायर यानी कि नाइन आई, तो ये मैक्सिमम तो हो गया नाइन आई। अब आपसे पूछा निम्निष्ट, तो ये निम्निष्ट यानी कि आई मिनिमम, तो मिनिमम हो गया आपका रूट आई वन माइनस रूट आई टू, यही होगा इसका होल स्क्वायर। तो यहां पर रूट आई माइनस अंडर रूट फोर आई इसका स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा आई, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री नाइन आई एंड आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। बोला था लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन सिंस, देखो लाइट जो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग ऐसे देते हैं कि उसकी जो वेवलेंथ है वो कम है और उसका जो डिफ्रैक्शन इफेक्ट है वो भी कम रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि its wavelength is very small, तो इसका आंसर सही क्या है, इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि इसका डिफ्रैक्शन बहुत कम होगा, इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स इज 9:1, दे आर प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज विल बी। आपको दो तरंगें दी हुई है जिनकी तीव्रता 9:1 के अनुपात में है और व्यतिकरण उत्पन्न कर रही है, तो इनकी महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। तो देखिए यहां पर आपको जो दोनों तरंगे हैं उनका अनुपात दिया हुआ है 9:1, आपको क्या फाइंड आउट करना है, अधिकतम व न्यूनतम। तो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का जो अनुपात होगा रेशियो होगा वो आपका रूट आई वन प्लस रूट आई टू होल स्क्वायर अपॉन रूट आई वन माइनस रूट आई टू होल स्क्वायर। अब हम यहां पर बहुत साइड अंडर रूट लेते हैं तो ये रूट आई वन अपॉन रूट आई टू इक्वल टू 3:1 हो गया। आप यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर थ्योरम लगाते हैं तो देखिए रूट आई वन प्लस रूट आई टू यानी कि 3:1 होल स्क्वायर और ये रूट आई वन माइनस रूट आई टू यानी कि 3:1 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3:1 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4:1 आ गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू टेक प्लेस बिटवीन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स ऑफ वेवलेंथ द पाथ डिफरेंस शुड बी। तो ये बोला अगर हमारे पास कोई सोर्स है दो, अगर वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो उनमें पाथ डिफरेंस का क्या रिलेशन होगा। तो अपन बात करते हैं जो पाथ डिफरेंस होता है वो n लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, लैम्डा का इंटीजर मल्टीपल, ये कितना होना चाहिए हमारे पास n लैम्डा n या n की वैल्यू 1, 2, 3 ये ले सकते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सोर्सेस ऑफ वेव आर कॉल्ड कोरेंट इफ ऑप्शंस आर ऑप्शन 1 बोथ हैव द सेम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ऑप्शन 2 बोथ प्रोड्यूस वेव ऑफ द सेम वेवलेंथ, ऑप्शन 3 बोथ प्रोड्यूस वेव ऑफ द सेम वेवलेंथ हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस एंड ऑप्शन 4 बोथ प्रोड्यूस वेव हैविंग द सेम वेलोसिटी। देखिए आपको दी हुई है तरंगों के दो स्रोत कला संबद्ध कहलाते हैं। देखिए कला संबद्ध स्रोत वो होते हैं जिनकी आवृत्ति समान हो और उनमें कलांतर नियत हो। तो यहां पर जब एक ही माध्यम है, आवृत्ति समान है, तो उसकी तरंग दैर्ध्य भी क्या होगी, समान होगी और कलांतर नियत रहेगा।
तो यहाँ पर दोनों के कंपनों के आयाम बराबर हो, जरूरी नहीं भाई। दोनों समान तरंगे की तरंगे उत्पन्न करते हो, बिल्कुल सही है। लेकिन आप देखेंगे दोनों समान तरंगे की तरंगे उत्पन्न करते हो जिनकी कला स्थिर हो, तो ये ऑप्शन 3 जो होगा वो ज्यादा प्रोप्रिएट होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला इफ टू वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय y1 = 4 sin ωt and y2 = 3 sin ωt + π/3 इंटरफेयर एट ए पॉइंट, द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव विल बी अबाउट। देखो तो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखी है y1 = 4 sin ωt और y2 दे रखी है 3 sin ωt + π/3। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करी गई है। अब लोग जानते हैं इसको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिखना है तो अपन लोग पैरेललोग्राम वाला मेथड लगाएंगे। सिंपल सा पहले वाले की बात करें तो ये अगर इसको रेफरेंस मान ले तो आप लोग बोलोगे कि ये जो है हमारे पास दूसरी वाली इक्वेशन है ये पाई बाई थ्री से के फेस से लीड कर रही है, बिल्कुल। तो आप इसको लिख लो ये कितना आएगा 4 और सेकंड वाला कितना, ये 4 है और सेकंड वाला कितना हमारे पास ये 3 और कितना दे रखा है ये पाई बाई 3 का फेस डिफरेंस, पाई बाई 3 का फेस डिफरेंस है। तो अब आपने लिखा एम्पलीट्यूड लिखना है रिजल्टेंट, तो आप लिखोगे ए आर लिख लेते हैं, लिखा जाएगा a1² + a2² + 2a1a2 cos φ, ठीक है। तो a1 जो है वो कितना हमारे पास 4² + 3² + 2 cos π/3 हो गया 60। जब आप इसको सॉल्व करोगे ar तो इसकी वैल्यू आएगी 6 के अप्रॉक्स आएगी 6, ठीक है। ये कितना आएगा 6 के अप्रॉक्स 6। तो आंसर कौन सा है अपना, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डेमोन्स्ट्रेट द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस वी रिक्वायर टू सोर्स विच इमिट रेडिएशन। ऑप्शन आर ऑप्शन 1 ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग अ डेफिनेट फेज रिलेशनशिप, ऑप्शन 2 ऑफ नियरली द सेम फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन 3 ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड ऑप्शन 4 ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। देखिए आपको दिया हुआ है व्यतिकरण की घटना के प्रदर्शन हेतु में से स्रोतों की आवश्यकता होती है जो विकिरण उत्सर्जित करे। तो अभी बताया आपको जिसकी आवृत्ति समान हो और कलांतर क्या हो नियत हो, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है समान आवृत्ति तथा निश्चित कला संबंध का हो तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन 1 ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग अ डेफिनेट फेज रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बीम्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटीज I and 4I interfere to produce a fringe pattern on screen. The phase difference between the beam is π/2 at point A and pi at point B. Then the difference between the resultant intensity A and B. तो बच्चों इसमें दो वेव हमें दे रखी है, उनकी इंटेंसिटी हमें दे रखी है, एक I दे रखी है और 4I दे रखी है। ये दो पॉइंट पे इंटरफेयर कर रही है, एक पे तो A है वहां पे पाई पार्ट जो फेज डिफरेंस है वो π/2 है, दूसरा है B पॉइंट और वहां पे फेज डिफरेंस है पाई, ठीक है। ये बोला इन दोनों के इंटरफेरेंस जो हो रहे हैं उनकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उनका डिफरेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, कंडीशन लिख लेते हैं पहले। ए के लिए हमारे पास क्या दे रखा है, जो फाई है ये हमें दे रखा है π/2, ठीक है। और बी के लिए हमें दे रखा है पाई, ये पाई दे रखा है, तो पाई दे रखा है यहां पर। ए के लिए जो फाई है ये π/2 है, बी के लिए जो फाई है ये पाई है, ठीक है। और जो इंटेंसिटी है वो एक आई है और 4I है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं पॉइंट ए के लिए। अगर पॉइंट ए की बात करोगे तो इंटेंसिटी अगर मैं लिखता हूं आई एट ए लिख लेते हैं, ये आएगा I1 + I2 + 2√I1 I2 cos φ। इसमें वैल्यू पुट करें ए के लिए I + 4I + 2 I multiply by 4I cos π/2। बच्चों ये वाला जो टर्म है ये तो कितना हो गया 0, ठीक है। तो आई ए अगर आपने लिखा ये तो आ गया 5I, ठीक। ऐसे हम लोग आई बी के लिए लिखते हैं, आई बी के लिए अगर आपने लिखा तो ये लिखा जाएगा I + 4I I1 + I2 + 2√I1 I2 cos φ। फिर बार बार वही लगाना तो कितना हो गया I + 4I + 2 I multiply by 4I 4I और cos φ। सिंपलीफाई करेंगे तो ये I आ जाएगा,
अब इसको आप जब सिंपलीफाई करोगे तो ये तो हो गया 5y और ये 4y, और cos phi की वैल्यू होती है माइनस 1, तो आप जब इसमें रखोगे तो बनेगा 5y माइनस 4y, i भी आ गया हमारे पास, i आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है, तो आपने लिखा आई ए डिफरेंस आई बी, तो ये आएगा हमारे पास 4i आ जाएगा, ठीक है, राइट आंसर है 4i, तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्लेट्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट हैव विड्थ इन द रेशियो 1:25, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम एंड मिनिमम इन द इंटरफेरेंस पैटर्न आई मैक्सिमम इज टू आई मिनिमम इज, देखिए आपको यंग के द्विझिरी प्रयोग में दोनों झिरियों की जो चौड़ाइयों का अनुपात दिया हुआ है वो 1:25 दिया हुआ है, तो यहां पर जो व्यतिकरण पैटर्न होगा उसमें उच्चिस और निम्निस्ट की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, यानी कि आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो निकालना है, तो हमें पता है देखो जो इंटेंसिटी होगी दोनों स्लिट से जो हमें लाइट मिलेगी उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो इनकी विड्थ के रेशियो के इक्वल होती है 1:25। अब आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो निकालना है, तो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम ये होगा आपका रूट आई वन प्लस रूट आई टू होल स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो जाएगा रूट आई वन माइनस रूट आई टू होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं तो आप यहां रूट आई वन आई टू तो इसका बोथ साइड अंडर रूट ले लें, तो ये आपके रूट आई वन अपॉन रूट आई टू इक्वल्स टू 1:5, आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कॉन्सेप्ट लगाते हैं थ्योरम लगाते हैं तो इसको ऊपर ले जाके ऐड करेंगे तो ये 1+5 का स्क्वायर हो गया, तो ये रूट आई वन प्लस रूट आई टू 1+5 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1-5 का होल स्क्वायर, रूट आई वन माइनस रूट आई टू यानी कि 1-5 का होल स्क्वायर, तो ये 6 का स्क्वायर 36 और -4 का स्क्वायर 16, ये 4 times 4 से 9 times तो 9:4 आ गया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 9:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द इंटरफेरेंस पैटर्न एनर्जी इज, तो देखो जहां पे इंटरफेरेंस होता है वहां पे एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना क्रिएट होती है, वहां पे सिर्फ क्या होता है एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है, आप बोलोगे वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगता है, ठीक है, तो क्या होगा कंजर्व होगी और डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो ये ऑप्शन अपना सही है, ऑप्शन 3 करेक्ट है, इसमें अविनाशी रहती है परंतु बिना वितरण होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए थिन प्लास्टिक शीट ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.6 इज यूज्ड टू कवर वन ऑफ स्लिट्स ऑफ ए डबल स्लिट अरेंजमेंट, द सेंट्रल पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज नाउ ऑक्यूपाइड बाय व्हाट वुड हैव बीन द सेवंथ ब्राइट फ्रिंज बिफोर द प्लास्टिक वाज यूज्ड, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 600 नैनोमीटर व्हाट इज द थिकनेस इन माइक्रोमीटर ऑफ द प्लास्टिक, देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक द्विझिरी प्रयोग की एक स्लिट के सामने एक आपने पतली प्लास्टिक की एक शीट रख दी जिसका अपवर्तनांक 1.6 है, अब यहां पर जो पर्दे पर जो केंद्रीय बिंदु है प्लास्टिक प्रयोग करने से पहले 7वीं चमकीली फ्रिंज पर प्राप्त हुआ, तो जो यहां पर है केंद्रीय फ्रिंज है वो 7वीं चमकीली फ्रिंज के जितना शिफ्ट हो गया, यदि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 600 नैनोमीटर है तो प्लास्टिक की मोटाई क्या होगी, तो देखिए यहां पर ये आपका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, ये दोनों स्लिट हो गई, ठीक है, ये स्क्रीन हो गई, ये आपका S1 हो गया, ये S2 हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ पर आपका N=0 पर यहाँ पर सेंट्रल पे आपका मैक्सिमा बनता है, अब आप क्या करते हैं यहाँ पर एक शीट रख देते हैं जिसका अपवर्तनांक म्यू है, मोटाई टी है, तो इसके रखने से क्या होता है ये जो फ्रिंजेस हैं उसी तरफ शिफ्ट हो जाती है जिस तरफ आपने ये पट्टिका रखी हुई, तो ये जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है ये कितना शिफ्ट हो जाती है 7वीं चमकीली फ्रिंज, भाई जब आपने पट्टी का नहीं रखी थी जहां 7वीं चमकीली फ्रिंज थी वहां ये शिफ्ट हो गई है, तो ये आपके 7β के इक्वल हो गई, यानी कि ये जो है यहां शिफ्ट हो जाएगा 7β के इक्वल, तो जो शिफ्टिंग का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है पट्टी का रखते हो तो कैपिटल डी जो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल डी है, तो कैपिटल डी म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय टी अपौन डी, ये किसके बराबर होगा 7β यानी कि लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, डी से डी कैंसिल हो गई है आपको टी निकालना है, तो टी इक्वल्स टू 7λ अपॉन म्यू माइनस 1, वैल्यू पुट करें तो टी इक्वल्स टू 7, अब लैम्डा की वैल्यू
600 नैनो यानी कि 10^-9 अपॉन म्यू की वैल्यू 1.6-1। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7 माइक्रोमीटर। तो ये आपका 7 माइक्रोमीटर आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये बोला इन ए सर्टेन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इंटरफेरेंस फ्रिंज ऑफ विथ 1 एनोड ईच आर ऑब्जर्व्ड व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड कीपिंग द सेटअप अनऑल्टर्ड इफ द सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर सोर्स ऑफ वेवलेंथ द फ्रिंज विड्थ विल बी। देखो इसमें बच्चों अपन लोगों से बात कर रहा है, ये फ्रिंज विड्थ की बात कर रहा है। बोला कि जब पहले 5000 एंगस्ट्रॉम यूज कर रहे हैं तो फ्रिंज विड्थ कितनी आ रही है, 1 mm। बोला जब 6000 एंगस्ट्रॉम अगर यूज करेंगे तो फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, ठीक है। तो सिंपल से हम लोग लिखते हैं फ्रिंज विड्थ का फार्मूला, बीटा इक्वल टू कितना होता है, डी लैम्डा अपॉन डी। ये क्या है, स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है और ये है दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हम लोग लिखें तो फ्रिंज विड्थ आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगा लैम्डा के, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ लिख लेते हैं, पहले वाले को लिख लेते हैं बीटा वन, दूसरे वाले को लिख लेते हैं बीटा टू। यहाँ पे लिखा जाएगा लैम्डा वन और लैम्डा टू, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो ये 1 mm आ गया बीटा टू और लैम्डा वन हमारे पास दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम है ये 6000 ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो बीटा टू बनेगा ये आएगा हमारे पास 1.2 मिलीमीटर। हाँ 1.2 मिलीमीटर राइट आंसर है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट the two slits are 1 mm apart and the screen is placed 1 meter away. A monochromatic light wavelength 500 nanometer is used. What will be the width of each slit for obtaining 10 maxima of double slit within the central maxima of single slit pattern? देखिए आपको दिया हुआ है किसी द्विझिरी प्रयोग में दो झिरियों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और पर्दा उससे 1 मीटर दूरी पर रखा गया। प्रयुक्त एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 500 नैनोमीटर है। प्रत्येक झिरी की चौड़ाई कितनी होगी यदि एकल स्लिट पैटर्न के केंद्रीय उच्चिष्ट में द्विझिरी के 10 उच्चिष्ट प्राप्त हो। तो देखिए यहां पर ये आपके अगर सिंगल स्लिट है, ये मैं सिंगल स्लिट लेता हूं, इसकी ये विड्थ ए लेते हैं और यहां पर ये इसका सेंट्रल मैक्सिमा है, ये सेंट्रल मैक्सिमा। अब इस सेंट्रल मैक्सिमा की इस डिस्टेंस में आपके 10 जो YDSC जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसकी 10 फ्रिंज चौड़ाई इसके अंदर एग्जिस्ट करे 10 बीटा के बराबर, ठीक है। तो देखिए हमें पता है ये यहां से ये यहां पर ये फर्स्ट मिनिमा होगा, एन की वैल्यू 1 होगी, ये यहां पर फर्स्ट मिनिमा होगा, न्यूनतम होगा। तो ये जो थीटा है ये हमें पता है साइन थीटा, ये होता है लैम्डा अपॉन ए, साइन थीटा लैम्डा अपॉन ए, थीटा अल्प है तो ये लिख सकते हैं हम थीटा बराबर लैम्डा अपॉन ए, ये लिख दिया। अब इतना ही इस तरफ भी होगा, ये सेम इस तरफ भी होगा थीटा, उतनी जो एंगल है वो उस तरफ भी बनेगा। अब आपको ये डिस्टेंस निकालना है तो देखिए कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। तो ये इसकी ये वाली दूरी ले लेते हैं हम एक्स, ये दूरी एक्स ले ली, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप हो गया आपका एक्स, ये हो गया कोण इनटू त्रिज्या, तो थीटा इनटू ये जो दूरी है ये है आपकी कैपिटल डी होती है, ठीक है। अब ये एक्स, ठीक है, अब आपको ये टोटल दूरी चाहिए, इस टोटल दूरी में आपके ये 10 बीटा होंगे, तो ये टोटल दूरी 2x में कितनी होगी, 10 बीटा ये होंगे भाई, एक्स ही हो गया, एक्स ही हो गया, बस आपको 2x की वैल्यू थीटा इनटू डी, थीटा की वैल्यू क्या है लैम्डा अपॉन ए और ये डी एज इट इज, और टेन बीटा की वैल्यू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, डी डी कैंसिल, आपको क्या निकालना, ए निकालना, तो ए इक्वल्स टू डी अपॉन टू हो जाएगा, डी अपॉन टू, आपको डी आपको दिया हुआ है D upon 5, यहाँ पर ये भी है, तो ये आपके ये तो 10 भी है, तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये 5 times, तो A equals to D upon 5 और D की वैल्यू आपको दी हुई है 1 mm,
तो 1/5 मींस 0.2 mm. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 0.2 मिलीमीटर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17. द क्वेश्चन नंबर 17 इज, इन यंग एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज रिड्यूस्ड टू हाफ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल देन फ्रिंज विड्थ. तो इसमें बोला है हमारे पास यंग का जो दो स्लिट प्रयोग है, ठीक है, उसमें आप लोगों ने क्या करा कि जो स्लिट के बीच की दूरी है उसको तो आधा कर दिया और जो स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो दूरी है उसको आप लोगों ने डबल कर दिया. तो फ्रिंज विड्थ पे पूछ रहा है क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो फ्रिंज विड्थ अगर आप लोग लिखें, सिंपल सा फॉर्मूला लिखा जाएगा, बीटा इक्वल टू डी लैम्डा डिवाइड बाय स्मॉल डी. ठीक है, तो आप लोग देखते हैं ये तो फार्मूला हो गया. तो पहले केस वाले को हम लोग देख लेते हैं, इसको बीटा नॉट मान ले. अब सेकंड केस देखते हैं बीटा क्या हो जाएगा, बीटा डैश. तो इसमें बोल रहा है कि हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज रिड्यूस टू हाफ. तो अपने लोगों ने क्या करा, जो डी है इसको कर दिया आपने डी बाई टू. नेक्स्ट बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल, तो इसको कितना कर दिया 2d. और ये आ गया हमारे पास लैम्डा. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बीटा कितना हो जाएगा, बीटा नॉट आ जाएगा. मतलब क्या हुआ, ये इससे चार गुना हो गई. तो इसका आंसर कौन सा हो गया अपना, फोर्थ ऑप्शन सही. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यंग्स एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म विद द लाइट ऑफ ब्लू व्हिच वेवलेंथ इज लैम्डा इक्वल्स टू 4360 एंगस्ट्रॉम एंड ग्रीन कलर व्हिच वेवलेंथ इज 5460 एंगस्ट्रॉम. If the distance of the fourth fringe from the center is x, then देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यंग के द्वि स्लिट प्रयोग में 4360 एंगस्ट्रॉम और 5460 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के नीले और हरे प्रकाश के साथ प्रयोग किया जाता है. यदि चौथी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी x हो तो आपको इनमें से कौन सा रिलेशन होगा सही ये बताना है. तो देखिए ये जो है आपका, ये तो हो गया आपका ब्लू के लिए, ठीक है, और ये आपका हो गया ग्रीन के लिए, वेवलेंथ होगी इसकी, तरंग दैर्ध्य होगी. अब हमें पता है जो फ्रिंज चौड़ाई होती है बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होती है. ये एक फ्रिंज चौड़ाई की ये वैल्यू होगी. अब देखिए जिसकी लैम्डा ज्यादा होगी उसकी फ्रिंज चौड़ाई भी क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी, और जिसकी लैम्डा कम होगी उसकी फ्रिंज चौड़ाई भी कम होगी. तो जो फ्रिंज चौड़ाई कम होगी तो उसकी दूरी भी कम होगी. तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फोर्थ फ्रिंज जो होगी वो पास में बनेगी, सेंटर से पास में बनेगी, और जिसका लैम्डा ज्यादा है उसकी जो फोर्थ फ्रिंज है वो दूर बनेगी क्योंकि उसकी फ्रिंज चौड़ाई ज्यादा है. तो यहां पर आप देखेंगे जो नीला है उसका लैम्डा कम है तो उसका एक्स कम होगा और जो हरा है उसका लैम्डा जो है ज्यादा है. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, जो एक्स ब्लू लेस देन एक्स ग्रीन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन यंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न द फ्रिंज विड्थ कैन बी चेंज्ड ओनली बाय चेंजिंग द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट कैन बी चेंज्ड ओनली बाय changing the separation between the two slit can be changed by the changing the wavelength or by changing the separation between the two slit is a universal constant hence cannot be changed. देखो इसमें हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं. अब इसमें बात हो रही है हमारे पास फ्रिंज चौड़ाई की, ठीक है, तो फ्रिंज चौड़ाई को उसमें बोला है कि उसमें पहले वेवलेंथ चेंज करी गई है, फिर उसमें स्लिट के बीच की दूरी चेंज करी गई है, या ये बोला है तरंग दैर्ध्य और जो उसमें दो स्लिट के बीच की दूरी है उसको परिवर्तित कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट होगा, या ये बोला है ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है. तो अगर हम लोग फार्मूला लिखे इसका फ्रिंज विड्थ का, ये लिखा जाएगा डी लैम्डा अपॉन डी, ठीक है, ये लिखा जाएगा यहां पे फॉर्मूला बीटा लिखा जाएगा डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ठीक है. डी हमारे पास डिस्टेंस है स्लिट और स्क्रीन के बीच की और ये क्या है दो स्लिटों के बीच की दूरी है, ठीक है, और लैम्डा वेवलेंथ. तो अपने लोग चेक करते हैं कैन बी चेंज ओनली बाय चेंजिंग द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट. तो यहां पे वेवलेंथ से तो चेंज हो रही है मगर ऐसा नहीं कि सिर्फ वेवलेंथ को आप चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगी, ठीक है. तो पहला ऑप्शन तो अपना गलत हो गया क्योंकि हमारे पास डी भी चेंज हो सकता है और स्मॉल डी भी चेंज हो सकता है, ठीक है. तो पहला अपना ऑप्शन गलत हो गया. दूसरा देखते हैं कैन बी चेंज ओनली बाय चेंजिंग द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट. तो फिर यहां पे बोल रहा है कि जो स्लिट के डिस्टेंस है इसको तो चेंज कर सकते हैं मगर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसको चेंज करोगे तो बीटा चेंज हो जाएगा, ठीक है. ये डी पे भी डिपेंड करेगा और लैम्डा पे भी डिपेंड करेगा. तो ये भी अपना गलत हो गया क्योंकि यहां पे ओनली लिखा हुआ है, ठीक है. ये बोला कैन बी चेंज्ड विद बाय चेंजिंग द वेवलेंथ और बाय चेंजिंग द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट. मतलब आप लैम्डा को भी चेंज कर सकते हो और डी को भी चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा. तो ये बात तो सही है. तो मतलब अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट है और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट तो नहीं है, ठीक है. तो ये अपना ऑप्शन गलत हो गया.
तो अपना सही आंसर है इसमें ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 6 लैम्डा बीइंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज आई इफ आई नॉट डिनोट्स द मैक्सिमम इंटेंसिटी I upon I not is equal to। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको यंग द्विस्लिट प्रयोग में लैम्डा बाई 6 पथांतर के संगत बिंदु पर तीव्रता I प्राप्त होती है जहां लैम्डा क्या है प्रकाश तरंग दैर्ध्य की प्रकाश की जो है वो तरंग दैर्ध्य है। यदि I not अधिकतम तीव्रता को व्यक्त करता है तब I upon I not बराबर होगा। तो देखिए आपको I upon I not निकालना है जहां पर I क्या है आपका जब पथांतर लैम्डा बाई 6 है तब आपके उसकी तीव्रता I है और I नॉट अधिकतम तीव्रता को व्यक्त करता है जो अधिकतम तीव्रता I नॉट हम सबसे पहले निकालते हैं। तो देखिए I नॉट ये I नॉट मैक्सिमम तो ये होता है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर। तो यहां पर I1 और I2 की इंटेंसिटी सेम है वो हम सेम ले लेते हैं रूट I1 तो ये रूट I1 ले लिया तो दोनों की इंटेंसिटी सेम ले ली रूट I1 प्लस रूट I1 होल स्क्वायर। तो ये I नॉट जो है I नॉट की वैल्यू होगी 2 रूट I1 ये 2 रूट I1 का होल स्क्वायर मींस 4 I1। तो यहां पर जो एक स्लिट है जिससे जो प्रकाश आ रहा है उसकी तीव्रता I1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी I0 by 4 होगी। सबसे पहले आपने ये निकाला। अब आपको ये पथांतर दिया हुआ है हमें पता है जब भी दो तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो उसकी जो तीव्रता है उसका फॉर्मूला होता है I बराबर I1 I2। यहां I1 I2 सेम है तो ये आपके I1 प्लस 2 रूट I1 मल्टीप्लाई बाय I1 और cos phi। लेकिन अभी हमें cos phi की वैल्यू नहीं पता ये आपको पथांतर दिया हुआ है ठीक है तो हम यहां पर phi निकाल सकते हैं। देखिए कैसे ये डेल्टा x अपॉन लैम्डा बराबर डेल्टा phi अपॉन 2 pi से हम निकालेंगे। ये डेल्टा x क्या है पथांतर है लैम्डा बाय 6 और ये लैम्डा डेल्टा phi आपको यानी कि phi निकालना अपॉन 2 pi। ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया ये 3 टाइम्स तो phi की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास pi by 3 आ गई pi by 3 आ गई। आप इस pi by 3 की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो I equals to I1 plus 2 ये I1 अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और cos phi यानी कि cos pi by 3 की वैल्यू 1 by 2 2 से 2 तो जो आपके I की वैल्यू है ये I की वैल्यू ये कितनी आ रही है 3 I1 आ रही है। अब I1 की वैल्यू यहां से इस रिलेशन से इसमें पुट कर दें तो I equals to 3 I1 की वैल्यू I0 by 4 और आपसे पूछा है I upon I0 तो I upon I0 is equals to 3 by 4 तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 3 by 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ रेंज इज 0.20 डिग्री फॉर सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम इफ कंप्लीट सिस्टम इज डिप्ड इन वाटर देन एंगुलर विड्थ ऑफ रेंज बिकम्स ठीक है। इसमें हमें बोला है कि हम यंग दो स्लिट जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें वेवलेंथ हम लोगों को दे रखी है ठीक है पहले कितना बता रखा है 5890 और उसकी जो कोणीय फ्रिंज है कोणीय फ्रिंज की जो चौड़ाई है या कोणीय चौड़ाई जो बता रखी है कितना बता रखा है 0.20 डिग्री। तो बोला अगर इसको हम लोग वाटर में डिप कर दें ठीक है मतलब हमने लोगों ने मीडियम चेंज कर दिया है तो इसकी जो एंगुलर विड्थ होगी आप लोग बोले कोणीय चौड़ाई होगी फ्रिंज की वो कितना होगा तो कहते कोणीय चौड़ाई अपन लोग लिखते हैं थीटा वो कितना आता है हमारे पास लैम्डा बाई डी आएगा ठीक है ये हमें दे रखा है। अब अपन लोग क्या कर रहे हैं जब मीडियम को चेंज करेंगे तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी तो हम लोग क्या लिखते हैं वेवलेंथ हो जाएगी आपकी थीटा डैश जो हो जाएगा हमारे पास ये लैम्डा डैश अपॉन डी हो जाएगा ये आप लोग बोले लैम्डा डैश जो होगा वो कितना हो जाएगा लैम्डा डिवाइड बाय म्यू हो जाएगा। म्यू क्या है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम अपवर्तनांक है इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा अपॉन थीटा डैश ये आएगा हमारे पास लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश या आप इसको लिखोगे थीटा अपॉन थीटा डैश लैम्डा अपॉन लैम्डा डिवाइड बाय म्यू तो ये जो रिलेशन बनेगा थीटा अपॉन थीटा डैश इक्वल टू म्यू। अब लोग पहले रख देते हैं वैल्यू क्या दे रखी है ये हमें दे रखा कितना 0.20 डिग्री ये थीटा वन लिखा और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अपवर्तनांक वो कितना होता है 1.33 होता है 1.33 तो इसको रख देंगे यहां पे 1.33 यहां से हमें जो थीटा डैश मिलेगा वो कितना आएगा 0.20 1.33
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर अपना आएगा 0.15, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्स इज 0.1 मिलीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स इज 20 सेंटीमीटर, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इज 5460 एंगस्ट्रॉम, देन एंगुलर पोजिशन ऑफ द फर्स्ट डार्क फिंस इज। देखिए आपको यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दो स्रोतों के बीच की दूरी 0.1 मिलीमीटर है, स्रोतों से पर्दे की दूरी 20 सेंटीमीटर है एवं प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दे रही है 5460 एंगस्ट्रॉम है। तो प्रथम अधिकतम फ्रिंज की कोणीय स्थिति होगी, जो प्रथम जो डार्क फ्रिंज होगी उसकी कोणीय स्थिति निकालनी है। देखिए ये आपके डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में YDSC में ये हो गया, ये स्क्रीन होगी, ये आपके सेंट्रल हो गया, यहां पर ये n=0 हो गया। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी दी हुई है ये आपको स्मॉल d दी हुई है, कितनी दी हुई है 0.1, तो ये तो 0.1 मिलीमीटर दी हुई है और इनके बीच का जो सेपरेशन है ये आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा है प्रथम अधिकतम फ्रिंज की कोणीय स्थिति होगी, ठीक है, तो ये आपका सेंट्रल हो गया। ठीक है, अब यहां पर ये है आपकी फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ये वाली डार्क फ्रिंज, ठीक है, तो यहां से इसकी स्थिति क्या होगी, तो आप इसको जब इससे मैच करते हैं, इससे कनेक्ट करते हैं तो ये आपसे थीटा पूछा, तो ये जो दूरी है ये दूरी आपकी फ्रिंज चौड़ाई की आधी होगी, बीटा बाई टू हो जाती है। ठीक है, तो आपको पता है कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, तो कोण तो हो गया थीटा, चाप कितना हो गया आपका बीटा बाई टू और त्रिज्या हो गई आपकी कैपिटल डी, कैपिटल डी आपको 20 सेंटीमीटर दी हुई है, ये 20 सेंटीमीटर दी हुई है, वैल्यू पुट करेंगे तो ये बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी और ये 2d, ये d से d कैंसिल हो गया, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 5460 एंगस्ट्रॉम टेंस टू पावर माइनस 10 अपॉन d की वैल्यू कितनी है 0.1 mm, mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये -3 हो जाएगा और ये 2 से आपने इसको डिवाइड किया। जब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है, इसमें डिग्री, हां ठीक है, रेडियन में ये आपके आपके ये वैल्यू आ रही है रेडियन में आ रही है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 180 अपॉन पाई डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो राइट आंसर आएगा इसमें ऑप्शन टू 0.16 डिग्री, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू 0.16 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट बाय यूजिंग ग्रीन रेड ब्लू लाइट वन कलर एट ए टाइम, द फ्रिंज विद रिकॉर्डेड एट आर बीटा जी बीटा आर एंड बीटा बी रेस्पेक्टिवली। देखो इसमें हम लोगों से बच्चों बोला क्वेश्चन में कि लाइट जो है वो उसके कलर जो डिफरेंट डिफरेंट कलर है, पहले तो हमें बता रखा है ग्रीन, फिर रेड है और ब्लू लाइट है। ठीक है, अब इसमें बोला है हमारे पास जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी उसके बारे में बात कर ली हम लोगों को, तो वो क्या होगी थी। ठीक है, तो अगर मैं फ्रिंज की चौड़ाई लिखूं वो क्या लिखा जाएगा, बीटा इक्वल टू सिंपल से आप लिखोगे डी लैम्डा बाई डी। अब इसमें जो डेटा हमें दिया है वो कलर की फॉर्म में दिया हुआ है, तो मतलब ये या तो हमें कलर की फॉर्म में दिया जो क्या बोलना चाह रहा है वेवलेंथ देना चाह रहा है, तो आप बोलोगे जो बीटा आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ लैम्डा। ठीक, अब हमें ये चेक करना है वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, तो सिंपल से आप लोग ये तो सबको याद होता है कि बी आई डी जी बाई ओ आर, तो वेवलेंथ इधर जाते तो हम लोग इंक्रीज होती है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी आ गई लैम्डा आर ग्रीन, फिर लैम्डा ग्रीन, फिर लैम्डा ब्लू आ गया। ठीक है, इसी ऑर्डर में हमारे पास क्या होगी फ्रिंज विड्थ होगी, तो हमने लिखा बीटा आर ग्रेटर देन बीटा जी एंड बीटा ब्लू, तो अपना आंसर कौन सा सही है इसमें ऑप्शन फोर, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन यंग्स एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट द टू स्लिट्स ए एंड बी, इंटरफेरेंस फ्रिंज आर ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस इन फ्रंट ऑफ द स्लिट्स,
Now, if a thin glass plate is placed normally in the path of the beam coming from the slit, then options are: option 1 is the fringe will disappear, option 2 the fringe width will increase, option 3 the fringe width will decrease, and option 4 is there will be no change in the fringe width but the pattern shift. देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको ये जो है YDSC एक्सपेरिमेंट है, इस YDSC एक्सपेरिमेंट में इस स्लिट ए के सामने एक आपने मीडियम प्लेस कर दिया, एक पट्टी का जिसका कोई अपवर्तनांक है म्यू, आपने यहां प्लेस कर दिया। तो क्या होता है जब भी आप किसी एक स्लिट के सामने कोई मीडियम प्लेस कर देते हैं तो जो फ्रिंजेस होती है उनकी फ्रिंज चौड़ाई परिवर्तित नहीं होती, सिर्फ क्या होती है फ्रिंजेस होती है वो शिफ्ट हो जाती है, और किस तरफ शिफ्ट होती है, जिस तरफ इस प्लेट को रखा जाता है, जिस तरफ माध्यम को रखा जाता है, तो देयर विल बी नो चेंज इन द फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ में कोई चेंजेस नहीं होगा बट द पैटर्न शिफ्ट, लेकिन ये पैटर्न क्या होगा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये बोला है ए स्पेक्ट्रल लाइन लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम इन द लाइट कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस स्टार इज ऑब्जर्व्ड एज 5200 एंगस्ट्रॉम, व्हाट विल बी द रिसेशन वेलोसिटी ऑफ स्टार। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है अपने पास ये डॉपलर इफेक्ट का है जब लाइट में बात करते हैं, ठीक है बिल्कुल। तो अब हमसे ये बोला है जो स्टार है वो इससे दूर जा रहा है तो उसकी वेवलेंथ में इतना चेंज आ रहा है तो उसकी स्पीड कितनी होगी। बिल्कुल, तो अगर आप लोगों को फार्मूला ध्यान है, पहले तो आप लोग लैम्डा जो आ रहा है वो कितना दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और जो लैम्डा इसको मिल दिख रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 5200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अभी बोला व्हाट विल बी द रिसेशन वेलोसिटी ऑफ स्टार, ठीक है, मतलब इसने बोला है जो तार जो स्टार है उसका वेलोसिटी कितनी होगी। तो अपने फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला जो हम लोग को याद है कितना है, माइनस डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल टू, यहां पे लिखता जाता था माइनस बी रेडियल डिवाइड बाई सी, यहां पे बी रेडियल लिखा है ना, ये आप लोग तब यूज करोगे जब कहीं पे कुछ सी एंगल पे, अगर एंगल पे नहीं दिया तो आप सिंपल से इसको बी मानोगे, और अगर एंगल पे दिया उसका कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा लैम्डा लिखते हैं हम लोग, डेल्टा लैम्डा कैसे फाइंड करोगे, डेल्टा लैम्डा आएगा हमारे पास 5200 माइनस 5000 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगा 2000 एंगस्ट्रॉम, इसको कन्वर्ट करेंगे नहीं, ये भी एंगस्ट्रॉम में आएगा 200, तो ये भी एंगस्ट्रॉम में आएगा, ये भी एंगस्ट्रॉम में आएगा, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया 200 डिवाइड बाय लैम्डा हमें दे रखा है 5000, और बी रेडियल आपने लिखा, इसको ये फाइंड आउट करना है, यही फाइंड करना है हम लोगों को, और सी जो लिखा जाएगा वो आएगा 3 × 10⁷, ठीक है, 3 × 10⁸ 10⁸, 3 × 10⁸8 meter per second। तो ये जो सी है ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा 1.15 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। तो अपना आंसर ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए स्टार इज मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ देन द लाइंस आर शिफ्टेड टुवर्ड्स। ऑप्शंस आर ऑप्शन 1 इज रेड, ऑप्शन 2 इंफ्रारेड, ऑप्शन 3 ब्लू एंड ऑप्शन 4 इज ग्रीन। देखिए यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गति कर रहा है तो तरंग दैर्ध्य विस्थापन होगा, लाल होगा, अवरक्त होगा, नीला होगा, हरा होगा, क्या होगा। तो देखिए जब भी कोई तारा पृथ्वी के पास में आएगा तो उसकी जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो बढ़ी हुई प्रतीत होगी, जब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई प्रतीत होगी तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी कि जो अपेरेंट वेवलेंथ है वो डिक्रीज होगी, और जब वेवलेंथ डिक्रीज होती है तो ये कहलाता है आपका ब्लू शिफ्ट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये बोला ए स्लिट ऑफ विड्थ ए इज इल्यूमिनेटेड बाय वाइट लाइट फॉर रेड लाइट, द फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्टेन्ड एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, द वैल्यू ऑफ ए विल बी। जो क्या है, एक यंग स्लिट, नहीं ये क्या है, ए स्लिट ऑफ विड्थ, ये सिंगल स्लिट वाला क्वेश्चन है, इसमें बोला हमारे पास जो प्रथम या पहला निम्निष्ट हमें मिला उसमें मिला थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो हमसे एक ही बात पूछी है इसने, जो मतलब सिंगल स्लिट की चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, ये हम लोग ए मान लेते हैं, और यहाँ पे जो हमें मिला है मिनिमा मान लेते हम लोग, यहाँ पे मिला ये एंगल होगा हमारे पास कितना थीटा, थीटा होगा, ठीक है। तो आप लोग यहां से पार्ट डिफरेंस अगर आप लिखते हो तो कितना आता है वो ए साइन थीटा,
और अगर मिनिमा की बात करते तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो इंटरफ्रेंस है उसके अपोजिट चलता है, यहाँ पे मिनिमा होगा एन लैम्डा के इक्वल, अगर जब आप मैक्सिमा की बात करोगे तो आएगा 2n plus 1 lambda by 2, तो मिनिमा आप लोग लिख रहे हैं तो कितना आएगा n lambda, ये फार्मूला आप लोगों को लगाना है, तो हम लोग लिखा a sin theta equal to n lambda, अब इसमें हमसे क्या बोला है first minima, तो n कितना हो गया 1 और theta हमें दे रखा है 30 degree, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आएगा a sin theta 30, यहाँ lambda आएगा और lambda हम लोगों को दे रखा है 6500 में स्टोन, तो ये लिखा 1/2 equal to 6500 is illuminated with light of wavelength 500 nanometer. The observing screen is placed 80 centimeter from this slit. The width of the central bright fringe will be. देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.20 मिलीमीटर चौड़ाई की एकल स्लिट 500 नैनोमीटर तरंग दे रही है कि प्रकाश स्रोत से प्रदीप्त होती है. पर्दा स्लिट से 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो केंद्रीय दीप्त की फ्रिंज चौड़ाई होगी, तो जो सेंट्रल फ्रिंज होगा उसकी चौड़ाई निकालनी है. तो देखिए किस तरह से करेंगे, ये आपकी सिंगल स्लिट होगी, ठीक है. अब इसकी जो विड्थ आपको दी हुई है, ये आपको दी हुई है ए, जो कि 0.20 मिलीमीटर ये दी हुई है. सामने ये स्क्रीन है, तो ये इसका सेंट्रल मैक्सिमम हो गया, ये यहां से यहां तक सेंट्रल मैक्सिमा है, तो ये यहां पर इसका क्या होगा मिनिमा होगा, तो ये n इक्वल टू 1 पर ये न्यूनतम है और ये भी n इक्वल टू 1 पर ये मिनिमम है. तो आपसे पूछा है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई होगी, तो ये आपको चौड़ाई निकालनी है, ठीक है. तो आप क्या करते हैं, इसके सेंटर से इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, इस तरह से इसको भी कनेक्ट कर देते हैं, तो ये थीटा हो गया. आपको ये चौड़ाई निकालनी है, तो आप यहां पर थीटा इक्वल टू साइन थीटा, अभी बताया आपको साइन थीटा इक्वल्स टू जो है लैम्डा अपॉन ए हो गया, स्मॉल एंगल है, तो ये थीटा लैम्डा अपॉन ए हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा. अब देखिए कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है, तो ये दूरी मान लो आप एक्स, तो थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन डी, ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी कैपिटल डी ले लें, तो कोण बराबर चाप, चाप हो गया आपका x और ये हो गया d. आपको x निकालना है, तो x equals to theta multiply by d और theta की वैल्यू क्या है, lambda d upon a. आपको कितना निकालना है, ये भी निकालना है, इधर की तरफ भी x ही होगा, दोनों सेम डिस्टेंस है x और x, 2x, तो ये आपके 2x आपको निकालना है, तो 2x equals to 2 lambda d upon a हो गया. ये आपको केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई होगी, तो वैल्यू पुट कर दें, 2 lambda की वैल्यू है 500 नैनो मींस 10^-9, ठीक. और डी की वैल्यू आपको दी हुई है 80 सेंटीमीटर, सबको एक ही सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो 10^-2 आ गया. आई बात समझ में. और यहां पर ये ए की वैल्यू आपको दी हुई है 0.20 मिलीमीटर को 10^-3, ठीक है. तो ये क्वेश्चन नंबर जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको राइट आंसर मिलता है 4 मिलीमीटर. जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 4 मिलीमीटर तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स ए गुड एप्रोक्सीमेशन व्हेन द अपर्चर इज 4 mm वाइड एंड वेवलेंथ इज 500 नैनोमीटर. तो अपर्चर हमें बता रखा है 4 mm एंड जो वेवलेंथ है वो 500 नैनोमीटर हमें बता रखा है, ठीक है. तो इसमें हम लोग फ्रेजनेट वाला फॉर्मूला लगाना है, जेड एफ इक्वल टू ए स्क्वायर बाई लैम्डा, तो ये फ्रेनेल डिस्टेंस निकल जाएगी, फ्रेनेल डिस्टेंस निकल जाएगी, तो इसको लिखते हैं. ए जो आएगा हमारे पास 4 mm है, तो इसको आप लिखो 4 × 10^-3, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है. लैम्डा हमें दे रखा है 500 नैनोमीटर, तो इसको हमने लिखा 10^-9, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 32 मीटर. ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Next question is, the width of the diffraction band varies. Options are, option 1, inversely as the wavelength. Option 2,
directly as the width of the slit, option 3, directly as the distance between the slit and the screen, and option 4, inversely as the size of the source from which the slit is illuminated. तो देखो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है विवर्तन पट्टियों की चौड़ाई परिवर्तित होती है. पहला ऑप्शन दिया हुआ है तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रम में, ऑप्शन 2 स्लिट की चौड़ाई के समान, ऑप्शन 3 स्लिट व पर्दे के मध्य दूरी के समान, और ऑप्शन 4 दिया हुआ है स्लिट को प्रकाशित करने वाले स्रोत के आकार के व्युत्क्रम में. तो देखिए यहां पर जो है ये हम रिलेशन यूज करेंगे फ्रिंज विड्थ के लिए, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. तो तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रम में ये नहीं होगा, स्लिट की चौड़ाई के समान ये भी नहीं होगा, इनवर्स रिलेशन आ रहा है, स्लिट व पर्दे की दूरी के समान. तो आप देख रहे हैं बीटा इज प्रोपोर्शनल, यहां पर ये डी के इक्वल होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3. तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, डायरेक्टली इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बोला था लाइट वेव कैन बी पोलराइज्ड एज दे आर ट्रांसवर्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी लॉन्गिट्यूडल एंड रिफ्लेक्टेड. देखो सिंपल सा है, पोलराइज्ड का मतलब है कि एक डायरेक्शन में आपको उसको अरेंज करना है, तो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव को यहां पोलराइज कर सकते हो, ठीक है, आप लॉन्गिट्यूडल वेव को पोलराइज नहीं कर सकते. तो आंसर अपना कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन 1 ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ. अनुप्रस्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन, the angle of incidence at which reflected light is totally polarized for reflection from air to glass, which refractive index n is. देखिए यहां पर आपको वायु से कांच में जाते हुए प्रकाश के परावर्तन में यदि परावर्तित प्रकाश ध्रुवित है तो आपतन कोण का मान होगा. देखो हमें पता है जो ब्रेविस्टर का नियम है, ब्रेविस्टर लॉ, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ये आपके कोई ग्लास प्लेट होगी जिसका अपवर्तनांक म्यू है, ये आपके इंसिडेंट रे होगी, ये आपतन कौन हो गया आई, ये एक रे आपकी ये रिफ्लेक्टेड हो रही, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये आपकी रिफ्रेक्टेड हो रही. अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है तो आपके क्या होता है, परावर्तन में परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, ये कंडीशन होती है. तो इसके लिए जो आई की वैल्यू होती है ये हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है ये tan इनवर्स म्यू होता है, यहां म्यू की जगह क्या लेंगे हम n ले लेंगे, तो ये आपके i इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स n. तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, tan इनवर्स n. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 ये बोला है द ब्रूस्टर एंगल ऑफ नहीं द ब्रूस्टर एंगल फॉर द ग्लास ईयर इंटरफेरेंस इज 554.74 इफ रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम ईयर टू ग्लास strike at an angle of incidence 45, then the angle of refraction is. तो हमें ब्रूस्टर एंगल दे रखा है और इसमें वैल्यू हमें बता रखी कितना, अंडर रूट 2 है इसकी, ठीक है. देखो 54.74 की वैल्यू आपको अंडर रूट 2 दी हुई है. इधर ये हमारे पास ईयर है और इधर मान लो ये ग्लास है, तो पहले इसने बता रखा है कि जब ये इस पे ऐसे आ रहा है तो पोलराइजेशन होगा, ये इधर जाएगा हमारे पास, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया एंड ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री. तो ये जो एंगल दे रखा है आप ब्रूस्टर लॉ लगाओगे तो आएगा tan i इक्वल टू कितना आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जिसमें रेज रिफ्रैक्टेड रेज आ रही है, ठीक है. तो ये म्यू 1 मान लो और ये आप म्यू 2 मान लो, ये कितना दे रखा है हमें म्यू, ठीक है. तो इसने जो क्वेश्चन हमें दिया है वो पहले हम लोगों को क्या कैलकुलेट करा रहा है कि पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग फाइंड करें, फिर दूसरे केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करा गया है, फिर वहां पे हमें इसने लॉ लगाना है. तो पहला केस देखते हैं, तो tan i हमें कितना दे रखा है 54.74. तो 54.74 ये म्यू आ गया, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आ गया वो कितना आ गया हमारे पास अंडर रूट 2. तो बच्चों ये हमें एक डेटा मिल गया, दूसरा डेटा में बात कर रहा है अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया, अब इसको चेंज कर दिया, अभी कितना था ये 54.74 था, अब ये हो गया हमारे पास 45. तो अब ये बात कर रहा है इस वाले एंगल की, रिफ्रैक्शन एंगल की. तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसने लॉ लगा के हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 जो है वो हमें कितना दे रखा है 1, और म्यू 2 अपने लोगों ने फाइंड कर लिया, ये कितना आ गया √2. इसने लॉ लगा देते हैं तो हम लोग लिखेंगे म्यू 1 sin i म्यू 2 sin r. तो म्यू 1 1 हो गया sin 45 डिग्री
म्यू टू है अंडर रूट टू एंड साइन आर आर, ठीक है। ये बनेगा कितना, वन बाई रूट टू, ये आ गया अंडर रूट टू साइन आर। तो साइन आर की वैल्यू होगी वन बाई टू, साइन आर अगर आप यहाँ सोल्व करोगे तो आएगा वन बाई टू, तो साइन आर की वैल्यू हो जाएगी, ये रूट टू नीचे आएगा तो वन बाई टू, तो आर इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 460 मीटर पर सेकंड, 460 मीटर पर सेकंड। द स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम एट द सेम टेम्परेचर विल बी अज्यूम बोथ गैसेस टू बी आइडियल। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी निश्चित ताप पर ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल 460 मीटर पर सेकंड है और इसी ताप पर हीलियम में ध्वनि की चाल होगी और दोनों गैसेस को आप आदर्श गैस मानते हुए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमें पता है स्पीड, इसके लिए रिलेशन होता है v इक्वल्स टू गामा आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए यहां पर आपको गैसेस आइडियल दी हुई है, एक आपके ये तो है डायटोमिक और ये आपको दी हुई है मोनो एटॉमिक दी हुई है और टेम्परेचर सेम है और आर आपका यहाँ कॉन्स्टेंट हो गया, तो कुल मिला के जो वी होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, गामा अपॉन एम डब्ल्यू के हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपको ऑक्सीजन के लिए और हीलियम के लिए दोनों के लिए रेशियो निकालेंगे और उसको सोल्व करेंगे। पहले मैं ऑक्सीजन का निकाल लेता हूं, तो वी ऑक्सीजन ओ टू प्रोपोर्शनल गामा, गामा की वैल्यू होती है इसकी डायटोमिक है तो इसकी वैल्यू होती है 7/5, तो ये 7/5 हो जाएगी, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इसका ऑक्सीजन का हो गया 32, वी हीलियम प्रोपोर्शनल तो इसके गामा की वैल्यू होगी आपके 5/3 मोनोटॉमिक, तो ये 5/3 और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 4 हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो VO2 आपको दिया हुआ है कितना है 460, ये 460, ठीक है, ये V हीलियम बराबर, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आपके 7/5 इंटू 32 से आ जाएगा और ये ऊपर जाएगा, इससे डिवाइड कर दो एक बार, तो ये आपके हो गया 5/3 × 4, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो सिंपलीफाई करने पे वी हीलियम निकालेंगे तो वो आंसर आएगा 1420 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस ऑफ डेंसिटी रो एट ए प्रेशर पी इज प्रोपोर्शनल टू। तो सिंपल सा इसमें फार्मूला आप लोगों को लगाना है कि जो बी लिखा जाता है वो कितना लिखा जाता है, गामा पी अपॉन रो। इसने बोला कि प्रोपोर्शनल मतलब किसके समानुपाती होगा, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको हम लोग अगर हटा दें तो कितना आएगा पी वाई रो रो, तो इसका आंसर कौन सा सही है अपना, चौथा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड वेव्स ट्रेवल एट 350 मीटर पर सेकेंड थ्रू ए वॉल एयर एंड एट 3500 मीटर पर सेकेंड थ्रू ग्लास। The wavelength of a 700 hertz acoustic wave as it enters glass from warm air. Options are decrease by factor 20, decrease by factor 10, option 3 increase by factor 20 and option 4 increase by factor 10. देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ध्वनि की तरंगे गर्म वायु में 350 मीटर पर सेकंड की चाल से तथा पीतल में 3500 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, ठीक है। यदि 700 हर्ट्ज की ध्वनिक तरंगे गर्म वायु से पीतल में प्रवेश करें तो इसकी तरंग दैर्ध्य में क्या परिवर्तन होगा, तो हमें पता है v equals to n lambda होता है। जब भी कोई भी तरंग आपके एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो n तो क्या रहती है, उसकी नियत रहती है, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पर जो है ये तो आपका नियत रहेगा, तो जब 350 गर्म एयर में है तो इसकी वेवलेंथ भी क्या होगी, कम होगी, और यहां पर 3500 है, इसकी स्पीड किस में बढ़ गई है, पीतल में बढ़ गई है, ब्रास में बढ़ गई है, तो इसकी वेवलेंथ भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। आप देखें ये इससे कितना गुना बढ़ रहा है, 10 गुना बढ़ रहा है, तो ये 10 गुना बढ़ जाएगी, तो राइट आंसर होगा इंक्रीज बाय ए फैक्टर 10, 10 गुना बढ़ जाएगी, तो राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज पासेस थ्रू ए मीडियम
द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज 0.1 सेंटीमीटर, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू। तो इसमें देखो बोला है एक 300 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंग किसी माध्यम से गुजरती है, तो माध्यम के कण का विस्थापन 0.1 सेंटीमीटर है, कण का अधिकतम वेग होगा। तो हम लोग लिखते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, मतलब फ्रीक्वेंसी जो हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 300 हर्ट्ज, ठीक है। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब ये हमें बता रहा है एम्पलीट्यूड कितना है, वो हमें कितना बता रखा है इसने, अगर आप ए लिखोगे तो कितना दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी अगर आप लिखोगे तो बी मैक्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे ए ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। ए हो गया हमारे पास कितना 0.1, ओमेगा को आपने लिखा 2 पाई एफ, ठीक है। तो 0.1 इंटू 2 पाई और ये आ गया हमारे पास 300, ये जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 60 पाई। अब इसमें आप लोग आंसर अगर देखें तो ये जो दिया हुआ है हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और आंसर भी सब सेंटीमीटर में रखने हैं, आपको यहाँ पे चेंज नहीं करना है मीटर में। तो इसका आंसर अपना कौन सा आ जाएगा, 60 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आंसर अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन गैस टू दैट इन हीलियम गैस एट 300 केल्विन इज। देखिए आपको नाइट्रोजन गैस और हीलियम गैस में 300 केल्विन ताप पर ध्वनि की गति का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए अभी हमने आपको बताया कि जो v होता है स्पीड, वो होता है गामा आर टी अपॉन एम डब्ल्यू होता है। अब आप देख रहे हैं यहां पर नाइट्रोजन गैस ये तो आपके जो है डायटोमिक होगी, और हीलियम जो होगी वो मोनोएटोमिक हो गया, ठीक है। ताप इनका दोनों का समान है, ठीक है, तो ध्वनि की गति का अनुपात होगा। तो ये आर टी तो कॉन्स्टेंट हो गया, तो यहां पर वही सेम वी प्रोपोर्शनल गामा अपॉन एम डब्ल्यू आ गया, ठीक है। यहां पर दोनों का मोलिकुलर वेट हमें पता है, गामा पता है, वैल्यू पुट कर देते हैं तो वी नाइट्रोजन इक्वल्स टू गामा, गामा डायटोमिक का होगा आपका 7/5, तो ये 7/5 और इसका मोलिकुलर वेट जो होगा वो होगा 28, नाइट्रोजन का कितना हो गया 28, और वी हीलियम तो इसका हम प्रोपोर्शनल ले लें फिर डिवाइड कर देंगे, तो ये आप क्या हो गया 5/3, गामा की वैल्यू होगी 5/3 5/3 और हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 4। आप इन दोनों को सॉल्व करें, जब सॉल्व करेंगे सिंपलीफाई करेंगे तो राइट आंसर आएगा दोनों का अनुपात ऑप्शन 3 √3/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बोला इन ए साइनसोइडल वेव द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू जीरो डिस्प्लेसमेंट इज 0.170 सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो इसको देखो हम लोग अगर बनाए साइनसोइडल वेव है तो इसको बना लेते हैं हम लोग, ये इस तरीके से दी हुई है, ठीक है। इधर हम लोग टाइम मान लेते हैं और इधर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हम लोग एक्स मान लेते हैं। ये बोला टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू जीरो, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा और ये जीरो आएगा हमारे पास, यहां से यहां तक का हमें टाइम दे रखा है और जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 0.17, ठीक है। अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड क्या होता है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। ये कितना होगा हमारे पास, अगर मैं यहां से यहां लिखूं तो ये T/2 आएगा, यहां से यहां तक मैं लिखूंगा तो ये आएगा T/2, ठीक है। तो ये जो आएगा हमारे पास ये कितना आ जाएगा T/4, मतलब इस क्वेश्चन में हमें इसने बताया कि मतलब आपको पहले एक वेव बनानी है और फिर T/4 की वैल्यू अपने लोगों को दे रखी है। तो T/4 जो अपने लोगों को दे रखा है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0.170 सेकेंड, ठीक है। तो T जो आएगा वो हो जाएगा 4 × 0.170 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी 1/T। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा, फर्स्ट आंसर आएगा 1.47 हर्ट्ज। टी की वैल्यू आप यहां रख देंगे 4 × 0.170, तो 1/4 × 0.170 तो आंसर आ जाएगा 1.47 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बिग एक्सप्लोजन ऑन द मून कैन नॉट बी हर्ड ऑन द अर्थ बिकॉज। ऑप्शंस आर ऑप्शन 1 द एक्सप्लोजन प्रोड्यूस high frequency sound waves which are inaudible, option 2 sound waves require a material medium for propagation, option 3 sound waves are absorbed in the moon's atmosphere, and option 4 is sound waves are absorbed in the earth atmosphere।
देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है चंद्रमा पर एक बहुत बड़े विस्फोट को पृथ्वी पर नहीं सुना जा सकता क्योंकि, तो ऑप्शन है आपका पहला, विस्फोट बहुत अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है जिन्हें सुना नहीं जा सकता। ऑप्शन टू, ध्वनि तरंगों का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन थ्री, चंद्रमा के वायुमंडल द्वारा ध्वनि तरंगों को अवशोषित कर लिया जाता है। ऑप्शन फोर, पृथ्वी के वातावरण द्वारा ध्वनि तरंगों को अवशोषित कर लिया जाता है। तो देखिए हमें पता है जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, वहां पर जो है वैक्यूम होता है। आप यूं बोल सकते हो वायुमंडल नहीं है वहां पर, कोई किसी तरह की गैसेज एग्जिस्ट नहीं करती है। और हमें पता है जो ध्वनि तरंगें होती है उनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर होगा ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ये माध्यम वहां पर उपस्थित नहीं होता, इसलिए चंद्रमा पर जो बहुत बड़ा विस्फोट होता है उसको भी पृथ्वी पर सुना नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए रॉड इज 200 हर्ट्ज, इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकंड, द वेवलेंथ ऑफ साउंड प्रोड्यूस इज। तो देखो हमें फ्रीक्वेंसी इसमें दे रखी है बच्चों, ये 200 हर्ट्ज दे रखा है, ठीक है, और स्पीड दे रखी है साउंड की, ये हमें दे रखा है 340 और मीटर पर सेकंड में दे रखा है। इसने बोला है वेवलेंथ, सिंपल सा फार्मूला लगाना है आप लोगों को, b इक्वल टू f लैम्डा, ठीक है। तो हम लोग उस वेवलेंथ फाइंड कर लेते हैं, तो ये लिखा जाएगा 340 200 इनटू लैम्डा, तो ये आ जाएगा 340, ये कैंसिल हो गया और इसको जब आप कट करोगे आएगा 1.7 आएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा 1.7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज द वेवलेंथ ऑफ वेव इन अ मीडियम इज 0.5 मीटर, द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑसिलेशन एट टू पॉइंट्स इन द मीडियम ड्यू टू दिस वेव इज पाई बाय 5, What is the minimum distance between these point is? देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक माध्यम में एक तरंग की तरंग दैर्ध्य 0.5 मीटर है। इस तरंग के कारण माध्यम में दो बिंदुओं पर दोनों के मध्य कलांतर पाई बाय 5 है, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होगी ज्ञात करें। तो देखिए यहां पर आपको जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा, ठीक है, तरंग दैर्ध्य वो दी हुई है 0.5 और इस तरंग के कारण माध्यम में दो बिंदुओं पर जो कलांतर है डेल्टा 5 वो आपको दिया हुआ है पाई बाई 5। आपको क्या ज्ञात करना है, मध्य दूरी यानी कि पथांतर ज्ञात करना है, डेल्टा एक्स ज्ञात करना है। तो हमें पता है पथांतर और कलांतर के मध्य डेल्टा एक्स और डेल्टा 5 के लिए रिलेशन होता है डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू डेल्टा 5 अपॉन 2π, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा इधर आ गया तो लैम्डा की वैल्यू होगी 0.5, डेल्टा 5 ये पाई अपॉन 5, पाई अपॉन 5 और ये आपका जो है 2π, ये 2π है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आपके ये 10 आ गया, ये हट गया, तो ये आपका आ रहा है 1/20, 1/20 मींस 0.05 मीटर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 0.05 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बोला था वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, तो ये बोला है ध्वनि का वेग अधिकतम है। तो सिंपल से आप लोग अगर इसमें दे दिया हुआ है कि एयर वाटर वैक्यूम एंड स्टील, ठीक है, तो स्टील में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो आंसर इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन वन, बोथ लाइट एंड साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल। ऑप्शन टू, बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। ऑप्शन थ्री, बोथ लाइट एंड साउंड वेव इन एयर आर ट्रांसवर्स। एंड ऑप्शन फोर इज द साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल व्हाइल द लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ निम्न में से कौन सा सत्य कथन है बताना है, तो ऑप्शन वन है आपका प्रकाश और ध्वनि तरंगे दोनों वायु में अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जो कि गलत है। आपके जो ध्वनि तरंगे होती है वो तो अनुदैर्ध्य होती है, प्रकाश नहीं होती है, ठीक है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे हमें पता ही है, ठीक है।
प्रकाश और ध्वनि तरंगे, दोनों तरंगे निर्वात में संचरण करती है। भाई प्रकाश तो करती है लेकिन ध्वनि तरंग नहीं करती है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। प्रकाश और ध्वनि तरंगे वायु में अनुप्रस्थ तरंगे होती है, तो ये बात हम पहले बता चुके हैं कि दोनों नहीं होती, दोनों में से एक ही होती है। और ऑप्शन फोर, ध्वनि तरंगे वायु में अनिधिर्य जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, द साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल व्हाइल द लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड वेव ट्रांसफर, ओनली एनर्जी नॉट मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, तो बच्चों आप लोग जानते हैं अगर कोई वेव है वो मोमेंटम और एनर्जी दोनों को ट्रांसफर करती है, ठीक है, या आप लोग बोले संवेग और ऊर्जा को दोनों को ट्रांसफर करती है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग फिनोमिना कैन नॉट बी ऑब्जर्व फॉर साउंड वेव्स। ऑप्शंस आर ऑप्शन वन रिफ्रेक्शन, ऑप्शन टू इंटरफेरेंस, ऑप्शन थ्री डिफ्रेक्शन एंड ऑप्शन फोर पोलराइजेशन। क्वेश्चन में बोला आपको कि ध्वनि तरंगों से निम्न घटना का प्रेक्षण नहीं किया जा सकता, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवन। देखिए यहां पर जो अपवर्तन है वो आपका ध्वनि के लिए होता है, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, लेकिन जो ध्रुवन होता है इसके लिए आपके ट्रांसवर्स वेव का होना जरूरी है, और ये जो ध्वनि तरंगे होती है ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, तो यहां पर जो नहीं होगा ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना नहीं होगी, ध्रुवन की नहीं होगी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर पोलराइजेशन ध्रुवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट इन द वेव। किसी तरंग में दो कालांतर श्रृंगों के बीच कालांतर होगा, तो कितना होगा अपने पास, 2π होगा। ठीक है, दो तरंगे जो आपकी होगी, अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये तरंग होगी आपकी, इसके और इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है ये आपकी लैम्ब्डा होगी, और कालांतर जो होगा वो 2π होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए मैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ hillock and fire a gun. He hears an echo after 1.5 second. The distance of the hillock from the man is velocity of sound in air is 330 meter per second. Question में आपको दिया हुआ है, एक पहाड़ी के सामने खड़ा मनुष्य बंदूक चलाता है, वह 1.5 second पश्चात प्रतिध्वनि सुनता है। मनुष्य से पहाड़ी की दूरी कितनी होगी हमें ये बताना है, जहां ध्वनि का जो वेग है वायु में वो 330 मीटर पर सेकंड है। तो देखिए ये मनुष्य, ठीक है, और ये मान लीजिए पहाड़ी, अब ये गोली चलाता है, गोली चलाता है तो ध्वनि जो होगी वो ऐसे जाएगी और इससे टकराकर वापिस आएगी, तो ये कितने समय पश्चात इसको सुनता है, 1.5 सेकंड के पश्चात, तो इन दोनों के बीच की दूरी है एक्स, तो जाएगा एक्स दूरी तय करेगा, आएगा एक्स दूरी तय करेगा, तो हमें पता है चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा समय, v बराबर 2x/t। आपसे पूछा है इनके मध्य की दूरी पूछी है, तो x equals to क्या हो गया, vt/2, तो x equals to v कितना है आपका 330, t की वैल्यू 1.5/2। आएगा सर, जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर मिलता है हमें ऑप्शन 2, 247.5 मीटर। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब बोला है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ये बोला है इंक्रीज विद टेंपरेचर, फिर इसमें दूसरा तरीका है डिक्रीज विद टेंपरेचर, इंक्रीज विद प्रेशर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर। ठीक है, ये हमें चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पांच स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि ध्वनि का जो वेग है वायु में, ध्वनि का वेग है वो ताप के साथ बढ़ता है, ताप के साथ घटता है, दाब के साथ बढ़ता है, दाब पर निर्भर नहीं करता, ताप पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो इसका आप लोग अगर मैं फार्मूले से अगर आप लोग एक्सप्लेन करना चाहें तो बी जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है गामा आर टी बाई एम, इसमें टेम्परेचर पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अगर आप लोग प्रेशर की बात करेंगे तो वो लिखा जाएगा गामा पी वाई प्रो। ठीक है, तो एक एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये बोला है इंक्रीज विद टेम्परेचर, तो अगर आप यहां से लिखोगे तो टेम्परेचर के साथ यहां से लिखोगे तो बी जो चलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगा अंडर रूट में टेम्परेचर के साथ, तो ये स्टेटमेंट अपना सही है। अगर पहला सही है तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। ठीक है,
इंक्रीज विद प्रेशर। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग ये वाला फार्मूला आप ध्यान रखोगे तो बच्चों के दिमाग में ये होता है कि जो जो इसका वेग है वो प्रेशर के साथ बढ़ता है, मगर क्या जैसे ही प्रेशर आप बढ़ाओगे तो वहां पर डेंसिटी भी उसी रेट में बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी अपने पास। ठीक है, तो अपने पास जो आंसर आएगा इसका, तो ये ऑप्शन 3 भी गलत हो गया, 3 गलत हो गया। ये बोला इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ये सही है, बिल्कुल सही, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, और बोला इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर, तो ये तो गलत हो गया। तो अपने चेक करें तो कौन सा सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ऑप्शन 4 सही है, तो ओनली 1 एंड 4 दैट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए साउंड वेव्स y equals to a naught sine bracket start omega t minus kx bracket close is reflected from a rigid ball with 64% of its amplitude. The equation of the reflected wave is, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ एक ध्वनि तरंग है जिसकी समीकरण y बराबर a naught sine omega t minus kx एक दृढ़ दीवार से आयाम के 64% के साथ परावर्तित होती है, तो परावर्तित तरंग का समीकरण होगा। तो कुल मिला के अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो ये एक दृढ़ दीवार, ठीक है, अब ये एक साउंड वेव यहां पर इसका इंसिडेंट हुई, इसका आयाम है a, ठीक है, आयाम दिया हुआ है इसका a नोट दिया हुआ है। अब यहां पर जब ये रिफ्लेक्ट होती है, ये रिफ्लेक्ट होके आती है, तो आपको ये जो इंसिडेंट वेव है ये a नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये बता रही है माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये दिशा आपकी धनात्मक होगी। अब जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये किस दिशा में होगी, ऋणात्मक दिशा में होगी, तो यहां पर ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह क्या आएगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स होगा, और आयाम जो है वो आपका 64% ही रह जाता है, ठीक है, तो यहां पर ऋणात्मक डायरेक्शन हो गया, ठीक है, और दृढ़ दीवार से जब भी टकराती है पाई का कलांतर आता है, तो यहां पर ये हो जाएगी इसकी समीकरण, पाई का कलांतर के कारण माइनस आएगा, और जो है इसका आयाम 64/100 हो जाएगा, प्रतिशत में बात करें 64% कितने, प्रारंभ का एन नॉट और ये साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा। प्लस क्यों, क्योंकि ये अब ऋणात्मक एक्स दिशा में जाएगी, ठीक है, माइनस क्यों, क्योंकि इसमें कितने का कलांतर आ रहा है, पाई का कलांतर आता है जब भी दृढ़ सतह से टकरा के लौटती है, तो और ये इसका आयाम हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, वाई बराबर माइनस 64/100 एन नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव इज गिवन बाय y इक्वल टू tan sin pi ब्रैकेट 0.01x माइनस 2t वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर एंड t इज इन सेकंड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो एक हमें वेव की इक्वेशन दे रही है, ठीक है, अब इसमें हमसे फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है, तो अगर मैं इसको लिखूं, पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, हमने लिखा y इक्वल टू tan sin pi 0.01x इंटू 2t, ठीक है, अब ये जो पाई इसको अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर लें इसमें, तो ये लिखा जाएगा y इक्वल टू साइन 0.01 पाई इंटू एक्स माइनस का 2 पाई इंटू टी। अगर हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे, ठीक है, अगर ये इक्वेशन इस तरफ, मतलब हमारे पास पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है, तो अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लिखोगे तो लिखा जाएगा a नॉट a साइन के एक्स की फॉर्म में लिख रहे, के एक्स की फॉर्म में लिखते हैं इसे, y इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब इससे आप लोगों को इसको कंपेयर करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे, के तो जो आएगा हमारे पास, ये के इसके बराबर आ गया, उसकी लिखने की जरूरत नहीं, पूछे नहीं, हाँ इसको लिखने की जरूरत नहीं, तब पूछे नहीं, और जो ओमेगा लिखा गया है, ओमेगा कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई, ठीक है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आप लिखोगे तो आएगा 2 पाई एफ इंटू 2 पाई, ये कैंसिल हो गया, एफ की वैल्यू आ गई 1, एफ की वैल्यू आ गई 1, ठीक है, 1 पर सेकंड, 1 पर सेकंड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वेव ट्रेवलिंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी इक्वल्स टू 0.005 कोस अल्फा एक्स माइनस बीटा टी। इफ द वेवलेंथ एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव आर 0.08 मीटर एंड 2 सेकंड रेस्पेक्टिवली देन अल्फा एंड बीटा इन एप्रोप्रिएट यूनिट्स आर। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक तरंग है जिसकी समीकरण आपको दी हुई है y जो किसका फंक्शन है x और t का है 0.005 cos अल्फा x माइनस bt, ये x अक्ष के अनुदिश गमन कर रही है। यहां पर इस तरंग का जो तरंग दे रही है वो 0.08 मीटर दिया हुआ है और इसका आवृत्तकाल 2 सेकंड दिया हुआ है, तो आपको अल्फा और बीटा के मान
उपयुक्त मात्र को मैं ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कंपेयर करें, y इक्वल्स टू a cos kx माइनस ओमेगा t, तो यहां पर ये जो प्रोग्रेसिव वेव की समीकरण होगी y इक्वल्स टू a cos kx माइनस ओमेगा t। कंपेयर करते हैं, तो देखो k की वैल्यू तो अल्फा के बराबर है, तो आपसे अल्फा पूछा, अल्फा इक्वल्स टू k हो गया, और k की वैल्यू हमें पता है ये होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा। आपको लैम्डा कितना दिया हुआ है 0.08, तो ये आपके k की वैल्यू तो हो गई आपके 2 पाई अपॉन 0.08। इसको सिंपलीफाई करें, ये 100 हो गया, ठीक है, ये 4, ये 25, तो ये आपके 25 पाई आ गया। 25 पाई किसमें है आपके, इसी ऑप्शन में। चलो बीटा भी चेक कर लेते हैं, आप देखें बीटा, तो बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, ओमेगा, ठीक है, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपका बीटा आ रहा है। अब यहां पर ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है, ठीक है, तो ये बीटा की वैल्यू 2 पाई और टी की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, तो 2 से 2 तो ये क्या आ गया पाई, तो ये पाई आ गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, अल्फा की वैल्यू 25 पाई और बीटा की वैल्यू पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following equation represent a wave traveling along y-axis? ठीक है? तो देखो, अगर मैं सिंपल सा आपको equation लिख के भी दिखाऊं, पहले ये लिखते हैं हम लोग, y equal to a sin, ठीक है? kx minus omega t। तो इसको हम लोग, अगर आप लोग पढ़ें, तो ये बोलेंगे ये जो y है, ये तो हमें part, जो medium है, उसके जो particle, उसका displacement बताता है, ठीक है? और ये जो x है, ये हम लोगों को बताता है डायरेक्शन, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, जिसको मैं यहां पे लिख देता हूं कि डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन है, तो ये अगर आप बोलोगे ये किस में चल रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, तो ये मैंने इसलिए लिख दिया कि हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन यही जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं, ये बोला है ट्रैवलिंग अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग जो एक्स है उसकी जगह हम लोग लिख देंगे वाई, तो हमने लिखा ए साइन के बाई माइनस ओमेगा टी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हम लोग इसको एक्स मान लेते हैं। भाई जिस डायरेक्शन में ये ट्रेवल कर रहा है उस डायरेक्शन में ये वाइब्रेट नहीं कर पाएगा, या तो वो एक्स डायरेक्शन में करेगा या जेड डायरेक्शन में करेगा, तो यहां पर ऑप्शन में आपके पास जेड है नहीं, ओनली ऑप्शन में एक्स है, तो राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें और देखो बच्चों, ये जो हमें दिया हुआ है ए साइन के बाई कॉस ओमेगा टी और ए कॉस के बाई साइन ओमेगा टी, तो ये जो इक्वेशन होती है हमारे पास ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन होती है, और हमसे बोला क्या गया है कि जो वेव प्रोपेगेट कर रही है ट्रैवलिंग कर रही है, तो ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन आप लोग सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू वेव्स आर गिवन बाय y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx एंड y2 इक्वल्स टू a cos ओमेगा t माइनस kx। The phase difference between the two wave is, देखिए आपको यहां पर दो इक्वेशन दी हुई है, दो तरंगे दी हुई है जिनके इक्वेशन है y1 एंड y2। अब इनके बीच का आपको कलांतर निकालना, फेज डिफरेंस निकालना, तो जब भी आपको फेज डिफरेंस निकालना हो दोनों तरंगे एक ही फॉर्म की होनी चाहिए, यानी कि सेम फंक्शन की होनी चाहिए, तो यहां पर ये साइन है और ये कोस है, तो हम इस कोस वाली को भी साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसका फेज तो है ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका क्या हो जाएगा, तो ये y2 को हम लिख सकते हैं a, जो cos होती है वो sin से pi by 2 फेज आगे होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं sin omega t minus kx plus pi by 2। अब इसका और इसका omega t minus kx का आपको डिफरेंस निकालना, ये आपका फेज डिफरेंस होगा, ठीक है, तो इन दोनों का जो डेल्टा phi होगा omega t minus kx plus pi by 2, इसमें से ये माइनस कर देंगे omega t minus kx, तो ये माइनस किया तो क्या बचा आपका पाई बाई 2, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 पाई बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद a = 0.2 मीटर हैज वेलोसिटी 360 मीटर पर सेकंड इफ लैम्डा 60 मीटर देन करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द वेव इज। देखो इसमें हमसे बोला है कि एक तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमें दे रखा है, ठीक है, डेटा जो दे रखा है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसका क्या मतलब है वो समझते हैं। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का मतलब है, तो इसमें आप जो लिखोगे या तो लिखा जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स
ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो ये दोनों टर्म जो है वो क्या आने चाहिए, अपोजिट में आने चाहिए, तो ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन रो लिखेंगे। ठीक है, दूसरा हमसे बोल रहा है इसका एम्पलीट्यूड दे रखा है, तो एम्पलीट्यूड अगर आपने लिखा तो ए दे रखा है 0.2 मीटर, वो सभी में सेम ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन दोनों में सेम है। अब हमसे बोल रहा है इसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है, तो बी जो दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है 360 मीटर पर सेकेंड, और जो लैम्डा दे रखा है वो हमें दे रखा है 60 मीटर। तो k को अगर हम लोग सिंपल सा लिखें, वो तो सिंपल सा लिखा जाएगा कितना, k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होगा, ठीक है, इसको हम लोग लिखा 2 पाई अपॉन 60, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ओमेगा, ओमेगा कैसे फाइंड करोगे, b इक्वल टू जो आता है इसकी स्पीड वो आती है ओमेगा बाई k, ठीक है, तो ओमेगा हमें कितना, ओमेगा फाइंड करना है और b हमें दे रखा है, ठीक है, तो इसे यहां से लिखोगे आप b इक्वल टू कितना हो जाएगा ओमेगा बाय k, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास b के। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ओमेगा इक्वल टू आपने लिखा b इनटू k आ गया, तो b हमें दे रखा है 360 और k की वैल्यू आपने रखी तो 2 पाई अपॉन 60, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे कितना बनेगा 6 इनटू 2 पाई, ठीक है, या आप इसको बोल दो 12 पाई, ठीक है। अब ये कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो इक्वेशन आएगी ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक नेगेटिव आएगा ही आएगा इसमें, ठीक है, तो हमने लिखा वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, के एक्स। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू तो 0.2 है, ए की वैल्यू 0.2 साइन साइन ओमेगा हमारे पास कितना आ गया 12 पाई, इसकी वैल्यू है 12 पाई टी माइनस के की वैल्यू है 2 पाई अपॉन 60 इनटू एक्स। अब हम लोग आंसर चेक करते हैं किस फॉर्म में हमें इसको रखना है, तो पाई को हम लोगों को बाहर, पाई को बाहर निकाल लेते हैं, 2 पाई को बाहर लिख लेते हैं, ये 2 पाई बाहर निकाल दिया, 2 पाई बाहर निकाल दिया हम लोगों ने, तो यहां बचेगा 60 और यहां बचेगा x अपॉन 60, तो ये इक्वेशन हो जाएगी y = 0.2 sin और हमने 2 पाई बाहर निकाल दिया, तो ये 60 - x अपॉन 60 ब्रैकेट क्लोज, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय y1 इक्वल्स टू 10 टू पावर माइनस 6 साइन 100 टी प्लस x अपॉन 50 प्लस 0.5 मीटर एंड y2 इक्वल्स टू 10 टू पावर माइनस 6 cos 100 टी प्लस x अपॉन 50 मीटर where x is expressed in meters and t is expressed in seconds is approximately। देखिए आपको दो तरंगे दी हुई है y1 और y2 दी हुई है, ठीक है, जहां इनमें x मीटर में और t सेकंड में है, तो आपको ज्ञात करना है इनका कि फेज डिफरेंस कितना होगा, तो इन दोनों के मध्य कलांतर निकालना है। तो देखिए हमें पता है दोनों को हम क्या करेंगे, एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दोनों का फंक्शन एक ही होना चाहिए, तो हम इसको cos को sin में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये y2 equals to 10 to power minus 6 sin, हमें पता है जो cos होती है वो sin से pi by 2 फेज आगे होती है, तो ये आप इसको लिखेंगे 100 t plus x upon 50 plus pi by 2, ये आपके होगी। अब आपको ये वाली जो दी हुई है ये इसका फेज ये हो गया और इसका फेज ये हो गया, आप दोनों का फेज डिफरेंस निकालेंगे डेल्टा फाई। तो देखिए आप यहां पर ये 100t से 100t इसका कैंसिल हो गया, x अपॉन 50 से x अपॉन 50 कैंसिल हो गया, अब पाई बाय 2 कितना होता है, ये पाई बाय 2 में से क्या माइनस करेंगे, ये 0.5 माइनस करेंगे, पाई बाय 2 की वैल्यू 3.14/2 माइनस 0.5, आप इसको जब सोल्व करते हैं तो आंसर आएगा ऑप्शन 2 1.07 रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a transverse wave is described by equation y equal to y naught sin 2 pi bracket ft minus xy lambda, the maximum particle velocity is 4 times the wave velocity is, देखो transverse wave हमें equation जो दे रखी है y equal to y naught sin 2 pi ft minus xy lambda, ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बात करी थी जो y होता है ये displacement होता है particle का, ठीक है, तो हम लोगों को बोला जा रहा है कि पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो 4 टाइम्स है वेव वेलोसिटी की, तो पहले हम लोग पार्टिकल की वेलोसिटी अगर आप लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा dy अपॉन dt, ठीक है, ये पार्टिकल वेलोसिटी हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दें तो आ जाएगा y नॉट इनटू ये साइन का तो हो जाएगा cos, यहां पे बचेगा 2 पाई
एफ टी माइनस एक्स वाई लैम्डा, ठीक है। अब ये जो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा यहां पे, 2 पाई एफ बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जो वेलोसिटी आएगी हमारे पास लिखा जाएगा बाई नॉट इंटू 2 पाई एफ कॉस 2 पाई एफ टी माइनस एक्स लैम्डा, ये हमारे पास बी पार्टिकल लिख देते हैं। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई पार्टिकल की, ठीक है। तो हमने लिखा पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है बाई नॉट इंटू 2 पाई, ठीक है। एक डेटा हमें मिल गया। अब हमसे बोला है कि इसकी जो वेव वेलोसिटी है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ, अगर आपने वेव लिखी वो कितना होता है, बी इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई के। तो ओमेगा अगर आप यहां पे लिखोगे कितना आएगा, 2 पाई एफ, ये ओमेगा हो जाएगा, और लैम्डा के लिखोगे कितना आएगा, 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा। तो आप यहां पे लिखो 2 पाई एफ डिवाइड बाई 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा, ये कैंसिल हो गया, ये कितना बचा एफ लैम्डा। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। हमसे इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो बीपी है वो 4 टाइम्स है बी ओमेगा पे। बीपी नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो 4 टाइम्स है वेव वेलोसिटी के, 4 गुना, ठीक है, 4 गुना है बी ओमेगा। इसमें डेटा पुट कर देते हैं, बी 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 ओमेगा, बी ओनली बी, हां बी, ये वेव लिखा है, डब्ल्यू जो है यहां पे वेव वेलोसिटी बता रहा है, ठीक है। तो लिखते हैं यहां पे बाई नॉट इंटू 2 पाई एफ इक्वल टू 4 टाइम्स f into lambda, ठीक है। f से f कैंसिल हो गया, इधर से ये कितना बचा 2, तो lambda अगर आप लिखोगे ये आएगा by into pi divided by 2, ये अपना आंसर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, by not pi by 2, ऑप्शन 2 सही है, ठीक है। यहाँ पे जो लोग के चले आप लोग by not आएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये by not है, ये by not आएगा, तो ऑप्शन इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेव डिस्क्राइब बाय y इक्वल्स टू 0.25 sin 10 पाई x माइनस 2 पाई t, वेयर x एंड y आर इन मीटर्स एंड t इन सेकंड, इज ए वेव ट्रेवलिंग अलोंग d। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए पॉजिटिव x डायरेक्शन विद फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू 0.2 मीटर। ऑप्शन टू नेगेटिव एक्स डायरेक्शन विद एम्पलीट्यूड 0.25 मीटर एंड वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू 0.2 मीटर। एंड ऑप्शन थ्री नेगेटिव एक्स डायरेक्शन विद फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज। एंड ऑप्शन फोर इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू 0.2 मीटर। देखिए क्वेश्चन में आपको एक समीकरण दी हुई है, तरंग की समीकरण दी हुई है वाई इक्वल्स टू, जहां एक्स और वाई मीटर में और टी सेकंड में, ये जो तरंग है ये गमन कर रही है, प्रोपेगेट हो रही है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहां पर हमें जो तरंग दे रही है, ठीक है, और जो आवृत्ति है वो ज्ञात करनी, और ये बताना है ये किस दिशा में जा रहा है। तो आपको देखते पता चल गया यहां पर यह माइनस आ रहा है, यानी कि यह धनात्मक एक्स दिशा में जा रहा है। तो पहली तो बात होगी ये धनात्मक एक्स दिशा में जा रहा है, तो ये ऋणात्मक एक्स दिशा वाले तो आप कैंसिल कर दो, ठीक है। अब आपके पहला और ऑप्शन फोर बचा है ये धनात्मक एक्स दिशा का है। आप इसमें देखेंगे कंपेयर करें वाई प्लस टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो यहां पर साइन के की वैल्यू तो कितनी है 10 पाई, और के की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो गया 2 अपॉन 10 यानी कि 0.2, तो जो वेवलेंथ होगी वो 0.2 हो जाएगी। तो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों आंसर ये लैम्डा का था, दोनों में सेम आ रहा है। अब आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी देखना, इसमें 1 हर्ट्ज है और इसमें पाई हर्ट्ज है, तो चेक करते हैं। ये आपके के एक्स ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है आपकी 2 पाई, तो ये 2 पाई f इक्वल्स टू 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई, तो f की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो 1 हर्ट्ज आ रहा है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, आवृत्ति 1 हर्ट्ज और तरंग दैर्ध्य 0.2 मीटर और ये धनात्मक x दिशा में गति कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला ए ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन y इक्वल टू y नॉट sin 2 पाई बाय लैम्डा ब्रैकेट न्यू t माइनस x फॉर what value of lambda the maximum particle velocity equal to 2 times the wave velocity, ठीक है। ये जैसा आपने क्वेश्चन करा था वैसा ही सिमिलर है, तो इसको हम लोग लिखते हैं y equal to y naught
साइन 2 पाई बाई लैम्डा इनटू न्यू टी वी टी माइनस एक्स न्यू है सर इसको दोबारा लिखता हूं न्यू टी माइनस एक्स बाई इक्वल टू बाई नॉट साइन 2 पाई लैम्डा न्यू टी माइनस एक्स ठीक है बच्चों तो ये हमें जाएगा है अब इसमें हमसे बोल रहा है जो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी है वो वेव वेलोसिटी के कितना है 2 टाइम्स है तो फिर हम लोग कोई पार्टिकल वेलोसिटी अगर आप लिखोगे तो क्या करना है इसको डिफरेंशिएट करना है तो हमने लिखा बीपी अगर आपने लिखोगे पार्टिकल वेलोसिटी तो उसको आप लिखोगे डिफरेंशिएट करोगे डीवाई बाई डीटी क्योंकि बाई क्या है ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का तो उसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा बाई नॉट ठीक है अब इसको सीधे लिख लेते हैं कितना आएगा 2 पाई लैम्डा इनटू न्यू इधर आ जाएगा साइन का कॉस यहां बचेगा 2 पाई बाई लैम्डा न्यू टी माइनस एक्स ठीक है तो मैक्सिमम जो पार्टिकल वेलोसिटी आ गई वो तो ये आ गई हमारे पास ठीक है तो आगे लिखते हैं हम लोग पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई बीपी मैक्स वो आ गया बाई नॉट 2 पाई लैम्डा इनटू न्यू ठीक है अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें डबल है उसकी वेव वेलोसिटी की वेव वेलोसिटी आप लोगों को लिखनी है ठीक है तो वेव वेलोसिटी अगर आप लिखोगे तो फिर वही लिखना है वेव वेलोसिटी लिखी जाएगी कितनी ओमेगा डिवाइड बाय के तो ओमेगा आप जब लिखोगे तो कितना आएगा यहां पे 2 पाई लैम्डा इनटू न्यू ये तो ओमेगा आ जाएगा 2 पाई लैम्डा इनटू न्यू ठीक है और ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई लैम्डा इनटू यहां पे वन है ये कैंसिल हो गया तो जो बी की वैल्यू आ रही है ये आ गया न्यू ठीक है अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू 2 टाइम्स वेव वेलोसिटी तो जो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी है वो 2 टाइम्स वेव वेलोसिटी है हमने लिख दिया बाई नॉट 2 पाई लैम्डा इनटू न्यू और ये कैंसिल हो गया तो बाई नॉट हमसे पूछा ये कितना जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इसको आंसर चेक कर लेते हैं बाई इक्वल टू आएगा हमारे पास इसको आप लिखें लैम्डा पूछा है तो लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 2 पाई बाई नॉट तो बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें ना एक अगर आगे बात करते हैं यहां पे ये 2 आएगा ठीक है यहां पे कितना आएगा ये 2 लिखा जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहां पे तो ये पाई नहीं आएगा मतलब 2 पाई नहीं आएगा इसका जो सही आंसर आएगा बाई नॉट पाई डिवाइड बाई लैम्डा यहां पे 1 आएगा ठीक है तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो इसका फर्स्ट ऑप्शन नहीं है लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा पाई वाई नॉट आएगा इसका पहला आंसर सही तो चौथा ऑप्शन सही है इसका ठीक है राइट आंसर है ऑप्शन 4 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव रिप्रेजेंटेड बाय डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट a sin ओमेगा t प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट b cos ओमेगा t will be तो आपको देखो आप एक विस्थापन की समीकरण आपको दी हुई है आपको इसका आयाम ज्ञात करना है हमें पता है आयाम ज्ञात करने के लिए a इक्वल्स टू होता है इस समीकरण अगर इस तरह की समीकरण हो तो ये जो साइन का जो प्रीफिक्स होगा पहले और इसका कोस का जो प्रीफिक्स है जो पहले की तरफ जो एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 अपॉन रूट ए का स्क्वायर 1 अपॉन ए प्लस यहां पर 1 अपॉन रूट बी का स्क्वायर भी 1 बाई बी तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका ए प्लस बी अपॉन ए बी आता है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अंडर रूट ए प्लस बी अपॉन ए बी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है टू वेव्स हैविंग इक्वेशन उनकी इक्वेशन हमें दे रखी है x1 a sin ओमेगा t + y1 x2 दे रखी है इफ द रिजल्टेंट वेव द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड रिमेन इक्वल टू दोस सुपरइंपोजिंग द वेव मतलब एम्पलीट्यूड सेम रहता है तो ये बोला है द फेज डिफरेंस बिटवीन देम तो अगर मैं फेज डिफरेंस लिखता हूं यहां पे उसको हम लोग मान लेते हैं ओमेगा t तो कैंसिल हो जाएगा तो इसको हम मान लो फेज डिफरेंस phi2 - phi1 मान लेते हैं ठीक है अब ये बोला अगर ये सुपर इम्पोज हो रही है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो 1 के इक्वल है ठीक है मतलब 1 के इक्वल है तो आप लिखोगे अगर मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिखता हूं a r स्क्वायर बराबर आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi ठीक है तो जो a r है इसमें कितना बता दिया कि a है
ए वन कितना ए स्क्वायर है, दूसरा भी ए स्क्वायर है प्लस टू ए वन ए टू ए स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे कॉस फाइव, हमें फाइव चाहिए इसमें, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा हमारे पास माइनस वन बाई टू बराबर कॉस फाइव, कॉस फाइव आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फाइव की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 120 डिग्री, या आप बोलोगे इसको 2π/3। तो इसका आंसर कौन सा सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज द ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड्स इज गिवन बाय y इक्वल्स टू 0.06 साइन 2πx/3 कोस 120πt, y and x are in meters and t in seconds. The wavelength and frequency of the two superposing waves are. देखिए आपको एक डोरी है जिसको दो सिरों से आपने दृढ़ता पूर्वक बांधा हुआ है और इस पे जो आपकी अप्रगामी तरंग बनती है उसकी समीकरण आपको दी हुई है y equals to, जहां y और x मीटर में है। आपको इन दोनों जो तरंगे हैं आपके स्ट्रिंग में जो अध्यारोपित होती उसकी जो परिणामी तरंग है, ठीक है, तो इसकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी, तो इसको कंपेयर करेंगे हम y इक्वल्स टू, अगर कंपेयर करें यहां पर ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ये आपके k की वैल्यू होगी 2π/3 और ये होगी इसकी फ्रिक्वेंसी होगी 120π होगी। तो यहां पर आपको कंपेयर डायरेक्ट करें k की वैल्यू That is 2π/3 और k की वैल्यू होती है 2π/λ, 2π से 2π तो लेमडा की वैल्यू तो आ गई 3, तो लेमडा तो होगा 3 और फ्रीक्वेंसी आप देखें तो ये ओमेगा और ये आपके हो गया 120π, तो ये 2π है, तो पाई से पाई तो f इक्वल टू कितना आ गया 60 हर्ट्ज आ गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 3 मीटर एंड 60 हर्ट्ज। ऑप्शन 4 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बोला इन द एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग ए रेजोनेंस कॉलम प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिफॉर्म आर कैप्ट इन वर्टिकल प्लेन, तो ये पहला ही ऑप्शन अपना इसमें सही है, ठीक है, प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिफॉर्म आर कैप्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये गलत है, ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। Next question is, the superposing waves are represented by the following equation. Equations are y equals to 5 sine 2π bracket start 10t minus 0.1x bracket close and y2 equals to 10 sine 2π bracket start 20t minus 0.2x bracket close. Ratio of intensities I maximum, I minimum will be. देखो आपको यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि दो व्यतिकारी तरंगे निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित की गई है, तो ये दो तरंगे आपको दी हुई है y1 एंड y2, तो इनकी तीव्रताओं का आपको मैक्सिमम और मिनिमम का अनुपात निकालना है। तो देखिए यहां पर ये आपको a1 और a2 दिया हुआ है, हमें पता है जो i मैक्सिमम और i मिनिमम का जो रेशियो होता है वो एम्पलीट्यूड के फॉर्म में होता है a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर अपॉन a1 माइनस या a2 माइनस a1 का होल स्क्वायर, यही होता है। अब a1 प्लस a2 5 प्लस 10, ये a1 ये a2, a1 a2 तो 5 प्लस 10 होल स्क्वायर और 5 माइनस 10 होल स्क्वायर, ठीक, 5 प्लस 10 15, 15 का स्क्वायर हो गया 225, 5 माइनस 10 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ गया 9:1, तो राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन 2 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बोला टू सोर्स ऑफ साउंड प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर आर एमिटिंग प्रोग्रेसिव वेव गिवन बाय, हमें दे रखा है इसकी इक्वेशन y 1 इक्वल टू 4 sin 600π t, y 2 दे रखा है 5 sin 608π t, an observer located near these two sources of sound will hear 4 beats per second and intensity ratio 25/16 between the Baxing and Banning. तो इसको इसमें पहले हम लोग beats की बात करनी है और फिर इसमें intensity को हमें चेक करना है, ठीक है, तो उसकी पहले equation लिख लेते हैं हम लोग, next page पे चलेंगे। by 1 जो हमने लिखा, ये लिखा गया 4 sin 600
बाई टी, और जो बाई टू दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है फाइव साइन साइन 600 पाई टी, 608 पाई टी दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसमें, पहले बीट्स फाइंड करते हैं। तो देखो बाई वन हमारे पास आ गया 4 साइन 600 पाई टी, बाई टू आप लोगों ने लिखा तो ये आ गया 5 साइन 608 पाई टी पाई टी। ठीक है, अगर इसको हम लोग कंपेयर करें इक्वेशन से, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। तो ओमेगा जो पहली इक्वेशन में आ रहा है 600 पाई, ये आप लोग बोले जो फ्रीक्वेंसी आई है f1 वो आ जाएगी 300। ठीक, ऐसे आप दूसरे के लिए लिखोगे f2 तो कितना आ जाएगा ये 304 आ जाएगा। ठीक है, अब बीट्स की हम लोग बात करते हैं, तो बीट्स अगर आप लिखोगे तो f2 माइनस f1 हो जाएगा, F2 माइनस F1 और ये आ जाएगा 4। बीट्स आ गई 4, बीट्स तो आ गई हमारे पास 4। अब मैक्सिमम जो बैक बैकसिंग और वैनिंग की बात कर रहा है, तो वहां पे हम लोगों को मैक्सिमम और मिनिमम की बात करनी है, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी रेशियो निकालना है, इंटेंसिटी रेशियो। तो आप यहां पे बात करोगे पहले I max और I min, तो इंटेंसिटी की तो फॉर्म में है नहीं, डेटा हमें दिया हुआ है एम्पलीट्यूड की फॉर्म में, तो एम्पलीट्यूड वाला फार्मूला लगाएंगे आप 4 + 5 का, तो ये A1 + A2 प्लस ए टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं 4 प्लस 5, तो यहाँ पर ये 4 प्लस 5 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 और 4 माइनस 5 1 1 का स्क्वायर 1 तो 81 is to 1। चेक कर लेते हैं, तो आंसर इसका 4 का ऑप्शन 4 beats per second with intensity ratio 81:1 between waxing and waning. Next question देखते हैं लोग। Two sources produce sound wave of equal amplitude and traveling along the same direction, producing 18 beats in 3 seconds. If one source has a frequency of 341 Hz, the frequency of the other source may be. देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है दो स्रोतों से समान आयाम की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है, ये समान दिशा में संचरित होती है। अब इनमें 3 सेकंड में ये 18 विस्फोट उत्पन्न करती है, तो दूसरे स्रोत की आवृत्ति ज्ञात कीजिए यदि एक स्रोत की आवृत्ति 341 हर्ट्ज है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, विस्फोट प्रति सेकंड निकालने पड़ेंगे, तो 18 विस्पंद है 3 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितने होंगे 6 होंगे, तो यहां पर सबसे पहले तो आपने विस्पंद जो है वो निकलेंगे 6 पर सेकंड निकलेंगे, विस्पंद प्रति सेकंड आपके आ गए 6 आ गए। अब देखिए यहां पर दूसरे स्रोत की आवृत्ति ज्ञात कीजिए, अब एक की आवृत्ति 341 है, तो जो दूसरा स्रोत होगा या तो इससे 6 ज्यादा होगा या 6 कम होगा, तो 6 ज्यादा होगा तो 341 प्लस 6 होगा या 341 माइनस 6 होगा, तो ये 347 होगा या 335 होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 335 या 347 हर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बोला ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज मेक 5 बीट्स पर सेकंड विद द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ ए कॉर्न, द बीट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीज टू 2 beats per second when the tension in piano string is slightly increased. The frequency of piano string before increasing the tension was. ठीक है? तो इसमें ये question तो अपना beats का है, ठीक है? तो पहले तो वाला case हम लोग देखते हैं कि जब frequency हमारे पास जो known frequency है वो 256 है, तो beats आ रही हैं 5, ठीक है? इसके साथ vibrating string या इसको हम लोग बोल देते हैं piano. तो जो known frequency है इसको मैं लिख देता हूँ F के, और पियानो की जो फ्रीक्वेंसी है इसको मैं लिख देता हूं एफ पी, ठीक है? तो दो जो बीट्स है तो हमारे पास ये तो बोला नहीं किसकी मैक्सिमम है किसकी ज्यादा है, ठीक है? या मिनिमम है, तो आपने पहले केस लिखा एफ के माइनस एफ बी, ये भी हमारे पास केस हो सकता है 5, या आप इसको बोलोगे एफ पी माइनस एफ के, ये 5 सकता है 5, ठीक है? ये दो ऑप्शन अपने पास है, अब इसमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। अब ये बोला था बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज टू 2 beats, मतलब जो beats है हमारे पास ये decrease हो जा रही है, ठीक है? कब decrease हो रही है? जब piano की string में आपने tension को increase कर दिया, तो piano की string का अगर आप लोग frequency लिखें तो वो क्या लिखा जाता है? 1 upon 2L under root T upon mu लिखा जाता है,
और यहाँ पे म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो जो आप फ्रीक्वेंसी लिखोगे वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट टी के। मतलब अगर आपने टेंशन को इंक्रीज करा तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, बढ़नी। तो हमने लिखा एफ पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी। मतलब क्या हुआ, अगर हमने टी इंक्रीज करा तो एफ पी इंक्रीज होगा, एफ पी तो इंक्रीज होगा। अब हमें ये डेटा दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा रिलेशन है जिसमें हम एफ पी को इंक्रीज करें तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये डिक्रीज डिक्रीज होगा। ठीक है, तो आप डिग्री अगर आप इसमें एफपी को आपने इंक्रीज करा तो ये तो बढ़ जाएगा बिल्कुल, और ये पहले वाला अगर आप चेक करोगे तो इसमें एफपी को आपने जैसे इंक्रीज करा तो ये डिग्री हो जाएगा, डिफरेंस कम हो जाएगा। तो आंसर अपना आएगा एफ के माइनस एफपी इक्वल टू 5। अब हमसे बोला क्या गया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पियानो आपको बतानी है। हां, तो रीअरेंज कर लो, तो रीअरेंज कर लेंगे। एफ के हमें कितना दे रखा है, 256। ठीक है, 256 माइनस एफपी इक्वल टू 5, या इसको आप लिख लो 256 माइनस 5 और ये F पियानो पियानो तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 256 माइनस 5 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टू ट्यूनिंग फोर्क्स हैव फ्रीक्वेंसीज 450 हर्ट्ज एंड 454 हर्ट्ज रेस्पेक्टिवली। On sounding these forks together, the time interval between successive maximum intensities will be. देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो सवृत्र द्विभुजों की आवृत्तियां क्रमशः 450 और 454 हर्ट्ज है। अब इन दोनों सवृत्रों को एक साथ बजाते हैं तो दो लगातार अधिकतम तीव्रताओं के बीच समय अंतराल कितना होगा। तो देखिए, दो अधिकतम जो आपके तीव्रताएं होती है उनके बीच का जो समय अंतराल होता है वो कहलाता है आपका बीट टाइम कहलाता है, बीट टाइम पीरियड कहलाता है। तो ये आपका सबसे पहले बीट फ्रीक्वेंसी निकाले, तो बीट फ्रीक्वेंसी जो होगी डेल्टा एन वो इन दोनों का अंतर हो जाएगा। तो 454 में और 450 का अंतर कितना हो गया, आपका 4 हो गया। आगे बात, अब जो बीट टाइम पीरियड होता है टी वो होता है 1/(Δn) होता है भाई, आपकी ये मैक्सिमम से ये मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम फिर ये मैक्सिमम, इसमें जो टाइम लगेगा ये आपका टी होगा, टी की वैल्यू 1/(Δn) होगी। तो ये 1/(Δn) की वैल्यू कितनी है, 4। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1/4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, बोला इट इज पॉसिबल टू हियर बीट्स फ्रॉम टू वाइब्रेटिंग सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये बोला जैसे हमारे पास दो सोर्स दिए हुए हैं उसमें बीट फ्रीक्वेंसी हम लोगों को पता करना है कि कौन एक नॉर्मल इंसान उसको सुन सकता है। ठीक है, तो जो सुन सकता है उसकी डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम 10 का डिफरेंस हो सकता है, मैक्सिमम 10 का डिफरेंस होना चाहिए, अगर 11 भी हो जाएगा तो वो नहीं सुन पाएंगे परसीव नहीं कर सकते उसको। अब आगे देखो, इसमें अगर हमने चेक करा तो डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, 50 का, ये गलत हो गया। अब यहाँ पे हमने चेक करा तो डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, 5। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें कितना आ रहा है हमारे पास, 100, तो ये भी गलत हो गया। इसमें आपने चेक करा तो ये आ गया 5, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 4 बीट्स पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद अ सोर्स ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज। The second harmonic of the source of unknown frequency gives 5 beats per second when sounded with a source of frequency 513 hertz. The unknown frequency is. देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है अज्ञात स्रोत, अज्ञात आवृत्ति का एक स्रोत है 250 हर्ट्ज आवृत्ति के किसी अन्य स्रोत के साथ प्रति सेकेंड 4 विस्पंद उत्पन्न करता है। तो यहां पर ये तो आपको 250 और जो अज्ञात है वो इसके साथ 4 विस्पंद उत्पन्न करता है। तो जो अज्ञात होगा वो या तो 254 होगा या इससे 4 कम होगा या 246 होगा। तो जो अज्ञात होगा वो या तो 246 होगा या 254 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। आगे क्वेश्चन पढ़ा जाए, अज्ञात आवृत्ति का दूसरा सन्नादि हार्मोनिक 513 हर्ट्ज आवृत्ति स्रोत के साथ 5 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। अब आपने एक दूसरा स्रोत लिया वो इस 513 के साथ 5 विस्पंद उत्पन्न करता है तो आपको अज्ञात आवृत्ति क्या होगी। तो इसके साथ 513 के साथ 5 विस्पंद उत्पन्न कर रहा है तो वो जो स्रोत होगा या तो इससे 5 अधिक होगा या 5 कम होगा। तो 5 अधिक हुआ तो 518 और 5 कम हुआ तो 508 हो जाएगा। तो ये या तो 508 होगा
या 518 होगा। आई बात समझ में? दूसरा सन्नाधि दे रखा है हमें पहले वाले। अब ये बोल रहा है कि यहां पर ये जो है, ये जो सेकंड वाले केस में है, इस पहले वाले केस का डबल होना चाहिए दूसरे सन्नाधि। तो आप देखेंगे यहां पर जो 246 है और 254 है, 254 का डबल हो रहा है 508, इस 246 का डबल 508 नहीं होगा, और 246 का डबल 508 भी नहीं हो रहा, 518 भी नहीं हो रहा, तो राइट आंसर क्या होगा यहां पर? 254 हर्ट्ज हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्ट्रिंग वाइब्रेट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन y इक्वल टू 2 y इक्वल टू 5 sin ब्रैकेट 2 पाई x डिवाइड बाय 3 cos 20 पाई t, वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर एंड t इन सेकंड, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड इज। तो ये बोला एक तनी हुई डोरी है, उसमें इक्वेशन हमें दे रखी है। अब आप लोग ये जानते हैं, अगर कोई तनी हुई डोरी है तो उसमें जो वेव बनती है वो स्टैंडिंग वेव होती है, बिल्कुल अप्रगामी तरंग होगी, बिल्कुल। तो अगर आप लोग इसकी इक्वेशन लिखें, y इक्वल टू आपने लिखा 5 sin 2 pi x divided by 3 cos 20 pi t, तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर आप लिखोगे वो कितनी लिखी जाएगी? a स्टैंडिंग वेव इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, तो यहां पे आएगा kx cos 20 pi cos ओमेगा t। तो k जो हमें मिलेगा वो कितना आएगा? k की वैल्यू 2 pi by 3 3 आ जाएगी, तो k आपने लोगों को मिला 2 pi by 3, मतलब 2 पाई बाई लैम्डा इक्वल टू 2 पाई बाई 3 आ गया। तो लैम्डा हमारे पास कितना आ गया? 3 आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब हमसे बोल कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, या ये बोले आप लोग जो निष्पन्द है उनके बीच की दूरी पूछी हमसे, वो कितनी होती है? दो निष्पन्दों के बीच की दूरी, वो कितनी होती है? लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, 3 बाई 2, तो आंसर कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई 2, या आपने लिखा इसको 1.5 सेंटीमीटर। राइट आंसर है ऑप्शन 4, 1.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द थ्री वेव्स z1 z2 एंड z3 एज z1 इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा t, z2 इक्वल्स टू a sin kx प्लस ओमेगा t एंड z3 इक्वल्स टू a cos kx माइनस ओमेगा t, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए स्टैंडिंग वेव। देखिए आपको यहां पर तीन तरंगे दी हुई है, z1 z2 z3 दी हुई है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा संबंध एक अप्रगामी तरंग को व्यक्त करता है। देखिए हमें पता है अप्रगामी तरंगे तब बनती है जब ये दोनों विपरीत दिशा में गति कर रही हो। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो साइन और ये दोनों साइन है और विपरीत दिशा में, तो इनका क्या होना जरूरी है? ये आपके या तो समान फलन की होनी चाहिए, ठीक है, या ये समान दिशा में और या विपरीत दिशा में ट्रेवलिंग करनी चाहिए, और इनके अध्यारोपण से ये बनती है। तो ये जो आप देख रहे हैं z1 equals to a sin kx minus omega t, ये धनात्मक x दिशा में जा रही है, और ये जो है ऋणात्मक x दिशा में जा रही है। ये दोनों के अध्यारोपण से आपको क्या मिल जाएगी? स्टैंडिंग वेव्स बन जाएगी। तो ये जो है ये cos है, ये आपके इसके साथ पाई बाई 2 का फेज रखेगी, तो ये दोनों पाई बाई 2 का फेज रखेगी, तो ये अध्यारोपित नहीं हो पाएगी, स्टैंडिंग वेव्स नहीं बना पाएगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन 1, z1 प्लस z2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन ए स्टेशनरी वेव इज फॉर्मड देन इट फ्रीक्वेंसी इज। तो क्या फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास सेम होनी चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सेम एज दैट ऑफ इंडिविजुअल वेव, ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। जब एक अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है तो इसकी आवृत्ति होती है अध्यारोपित होने वाली तरंगों की आवृत्ति के बराबर। इसका अगर आप इक्वेशन लिखोगे, तो अगर मैं लिखूं तो y इक्वल टू आप लिखोगे a sin kx माइनस cos ओमेगा t, अप्रगामी तरंग लिख रहे हैं, तो ये जो आ रहा ओमेगा ये किसके लिए आ रहा है? अगर हमारे पास कोई वेव है उसकी आवृत्ति इंसिडेंट वेव है या अप्रगामी तरंग है उसी का ओमेगा, तो आप क्या बोलोगे? सेम एज दैट ऑफ इंडिविजुअल वेव, तो इसकी फ्रीक्वेंसी उसके इक्वल होनी चाहिए, इक्वल होगी, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए स्टेशनरी वेव ऑल द पार्टिकल्स ऑप्शन 1 ऑन आइदर साइड ऑफ ए नोड वाइब्रेट इन सेम फेज, ऑप्शन 2 इन द रीजन बिटवीन द टू नोड्स वाइब्रेट इन सेम
phase. And option 3 is in the region between the two antinodes vibrate in same phase. And option 4 is of the medium vibrate in same phase. देखिए आपको किसी अप्रगामी तरंग में बताना है कौन सा सही ऑप्शन होगा. ऑप्शन 1 है एक निष्पंद के दोनों ओर के सभी कण समान कला में कंपन करते हैं. तो मैं यहां पर ये आपके ये इस तरह की अप्रगामी तरंग ये निष्पंद हो गया आपके. ठीक है तो एक निष्पंद के दोनों ओर तो ऑन आइदर साइड ऑफ नोड वाइब्रेट इन सेम फेज. तो इस नोड के इधर और इधर वाले ये समान कला में नहीं होते सेम फेज में नहीं होते हैं. तो ये ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया. इन द रीजन बिटवीन टू नोड्स वाइब्रेट इन सेम फेज. हाँ ये दो नोड के बीच के जितने भी पार्टिकल होते हैं वो हमेशा सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं. तो ऑप्शन 2 राइट ऑप्शन हो जाता है. इन द रीजन बिटवीन टू एंटी नोड्स वाइब्रेट इन सेम फेज. ये दो एंटी नोड के जो पार्टिकल्स होंगे ये भी सेम फेज में नहीं होते हैं. तो ये भी ऑप्शन है ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन सेम फेज नहीं. तो ये भी ऑप्शन हो जाता है. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75. स्टेशनरी वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी डज नॉट ट्रांसपोर्ट एनर्जी हैव नोड्स एंड एंटी नोड्स बोथ सेकंड एंड फोर्थ. देखो जो हमारे पास स्टेशनरी वेव है इसको स्टेशनरी वेव इसीलिए बोला जाता है कि ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट नहीं करती. ये रेस्ट पोजीशन पे रहती है. रेस्ट पोजीशन पे रहती है. तो इसका ऑप्शन पहला तो गलत हो गया. पहला गलत हो गया. तो जब पहला गलत हो गया दूसरा सही है. और नोड और एंटी नोड बनते ही है. तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना फोर्थ. फोर्थ ऑप्शन अपना लगाएंगे सर. तो ऑप्शन बोथ जो ऑप्शन 4 है बोथ 2 एंड 3 सही. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वेव रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन y = a cos kx - omega t is superposed with another wave to form a stationary wave such that the point x = 0 is a node. The equation for the other wave is देखिए आपको यहां पर एक इक्वेशन दी हुई है y plus to a cos kx minus omega t. ठीक है अब ये किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है. ये आपके पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है. ठीक है द्वारा दर्शाए जाने वाली तरंग पर एक दूसरी तरंग का अध्यारोपण करके एक अप्रगामी तरंग इस प्रकार बनाते हैं कि बिंदु x बराबर 0 पर निष्पंद हो. इस दूसरी तरंग का समीकरण क्या होगा. तो देखिए आपको यहाँ पर जब दोनों तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित होगी तो स्टैंडिंग वेव स्टेशनरी वेव बनाए. इसके लिए एक तो जरूरी है कि ये दोनों सेम फलन की होनी चाहिए यानी कि कोस होनी चाहिए. तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा. ठीक है अब आपका या तो ये ऑप्शन होगा ये ऑप्शन होगा. अब ये दोनों क्या होगी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करनी चाहिए. तो राइट आंसर हो जाएगा ये अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में. तो ये आएगा के एक्स प्लस ओमेगा टी. तो ऑप्शन 2 इज अ राइट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड. इन दिस केस ऑल पार्टिकल वाइब्रेट इन फेज ऑल एंटी नोड वाइब्रेट इन फेज और अल्टरनेट एंटी नोड वाइब्रेट इन सेम फेज. ऑल पार्टिकल्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स वाइब्रेट इन फेज. तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोला है दो स्रोत पर बंधी डोरी में अप्रगामी तरंग उत्पन्न होती है. इस स्थिति में सभी कण समान. ये पहला तो गलत हो गया. ठीक है दूसरा बोला ऑल एंटी नोड वाइब्रेट इन फेज. तो अगर आप बात करोगे जैसे मान लो ये अप्रगामी तरंग बनी. ठीक है ये एंटी नोड हो गया ये एंटी नोड हो गया ये एंटी नोड हो गया. ठीक है तो अगर ये अपवर्ड जा रहा होगा तो डाउनवर्ड आएगा फिर अपवर्ड आएगा फिर डाउनवर्ड आएगा. तो ये दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया. अब ये बोला ऑल अल्टरनेट एंटी नोड वाइब्रेट इन फेज. तो अल्टरनेट की बात करेंगे तो एक ये वाला और ये वाला ये सेम फेज में ये सेम फेज में होंगे. तो अपना आंसर कौन सही है ऑप्शन 3 3 सही. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्ट्रिंग इज प्रोड्यूसिंग ट्रांसवर्स वाइब्रेशन हुज इक्वेशन इज y = 0.021 sin x + 30t वेयर x एंड y आर इन मीटर्स एंड t इज इन सेकंड्स. इफ द लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग इज 1.3 multiply by 10 to the power minus 4 kilogram per meter, then the tension in the string in Newton will be. देखिए आपको एक डोरी में एक अनुप्रस्थ तरंग जो उत्पन्न हो रही है उसकी समीकरण आपको दी हुई है. ठीक है जहां x और y मीटर में और t सेकंड में. इस जो डोरी है इसका जो रेखीय घनत्व यानी कि मास पर यूनिट लेंथ वो आपको 1.3 into 10 to the power minus 3 kilogram per meter दिया हुआ है. तो इस डोरी में तनाव कितना होगा. तो हमें पता है जिस डोरी में जो वेव होता है ये होता है v = √
टी अपॉन म्यू, जहां म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, जो कि आपको दिया हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, तनाव फाइंड आउट करना है, तो रीअरेंज करेंगे तो ये टी बराबर वी स्क्वायर म्यू हो जाएगा। तो वी स्क्वायर की वैल्यू आपको वी निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर ये म्यू की तो वैल्यू दी हुई है, अब वी आप इससे निकालेंगे, तो वी निकाल लेते हैं। देखिए साइन के और ये हो गया ओमेगा, तो के की वैल्यू तो होगी 1, कंपेयर करो के एक्स प्लस ओमेगा टी, और यहां पर जो ओमेगा है वो है आपका 30, तो वी इक्वल्स टू होता है ओमेगा बाई के, तो ओमेगा की वैल्यू 30 अपॉन 1 यानी कि 30 आ गया। तो ये वैल्यू पुट करते हैं, तो 30 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय म्यू की वैल्यू 1.3 टेन टू पावर माइनस 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो राइट आंसर आता है ऑप्शन 4, 0.117 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द टेंशन ऑफ ए स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड बाय 69% इन ऑर्डर टू कीप इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कॉन्स्टेंट, इट्स लेंथ मस्ट बी इंक्रीज्ड। ठीक है, तो मान लो एक डोरी जो तनी हुई है, ठीक है, ये बड़ा एक तनी हुई डोरी में तनाव 69% की वृद्धि कर दी जाती है, कंपन की आवृत्ति नियत बनाए रखने के लिए इसकी लंबाई में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी लिखोगे वो लिखा जाएगा 1/2L(T/μ) होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि ये बोल रहा है हमारे पास टेंशन है वो 69% है और ये लेंथ के बारे में हमें कमेंट करना है, लेंथ क्या होगा, लेंथ कितनी बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर आप इसको लिखोगे F जो आएगा वो डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से फार्मूले को लिख सकते हैं √T/T/L। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है तो हमने लिखा √T1/L1=√T2/L2। अब यहां लिखते हैं तो T1 को तो हम लोग T0 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं L0। ठीक है, जब टेंशन को 69% इंक्रीज करेगा तो कितना हो गया 1.69 T0 और यहां पे L2 आ गया। जब आप इसको लिखोगे ये आ जाएगा T0/L0 और ये आ जाएगा 1.3 T0/L2, तो ये कैंसिल हो गया, L2 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 1.3 L0, मतलब ये कितना इंक्रीज हो गया, 30% इंक्रीज हो गया। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन टू सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। द लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स इज, देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 20 सेंटीमीटर लंबे किसी बंद ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति दोनों सिरों पर खुली किसी नलिका के द्वितीयक अधिस्वरक की आवृत्ति के बराबर है, तो इस खुली नलिका की लंबाई होगी। तो देखिए यहां पर ये आपका क्लोज ऑर्गन पाइप है, ये एक सिर है, इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो है आपकी V/4L1, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, जहां V ध्वनि का वेग हो गया। अब आप दोनों सिरों पर लेते हैं तो इसकी लंबाई तो होगी L1, अब आपने दोनों सिरों से ओपन लिए, ये दोनों सिरों से ओपन है, इसकी लंबाई L2 है। अब ये बोल रहा है दोनों सिरों पर खुली किसी नलिका के द्वितीयक अधिस्वरक, ठीक है, तो द्वितीयक अधिस्वरक जो फंडामेंटल, उसके बाद आता है प्रथम, फिर आता है द्वितीयक, यानी कि वो होगा आपका 3V/2L2, ये दोनों बराबर है, द्वितीयक अधिस्वरक सेकेंड ओवरटोन, आप इनको सिंप्लीफाई करें, बी से वी कैंसिल हो गया, तो ये L1 की वैल्यू 20 दी हुई है, तो 1/4 × 20 = 3/2 और ये L2, ये इससे 2 times और L2 = कितना आ गया 40 × 30 यानी कि 120, तो राइट आंसर होगा 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला एक क्लोज पाइप एंड है ओपन पाइप हैव देयर फर्स्ट ओवरटोन आइडेंटिकल इन फ्रीक्वेंसी, देयर लेंथ आर इन रेशियो। ठीक है, तो सिंपल सा अपन लिखते हैं, मान लो ये क्लोज पाइप है और एक ओपन पाइप है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट ओवरटोन हमारे पास मतलब प्रथम अधिस्वरक की बात हो रही है, ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन सेम,
तो ये दोनों का सेम है, तो इसको अपन लोग लिखे ये कितना आएगा, अगर मैं लिखूंगा एफ फर्स्ट ओवर टोन आएगा, पहला तो जो लिखा जाता वो आता बी अपॉन, ये तो फंडामेंटल फंडामेंटल हो गया। सेकंड जो लिखा जाएगा वो आएगा थ्री बी अपॉन फोर एल, ये फर्स्ट ओवर टोन हो गई, ये हमारे पास फर्स्ट ओवर टोन हो गई। अब आप लोग इधर आ जाते हैं, ये आप लोग लिख लेते हैं क्लोज पाइप, इसको एल सी लिख देता हूं मैं क्लोज पाइप, ठीक है। ओवरटोन ओपन पाइप के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी एफ नॉट वो कितना आएगा b अपॉन 2l, और इसकी लेंथ अलग है, लेंथ अलग, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग ओपन से, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ओवरटोन आप लिखोगे कितना आ जाएगा 2b अपॉन 2l नॉट 2l नॉट, ये दोनों के बराबर, इसको ओपन लिख लेते, ये इसको f डैश मान लो, ठीक है। तो हमने लिखा f इक्वल टू f डैश 3b अपॉन 4lc lc 2b अपॉन 2L0, ये कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया, 3 by 4 LC upon L0 आ गया, right answer होगा option 3, option 3 is a right answer, 3 is to 4, next question देखते हैं, next question is an open and closed organ pipe have the same length, the ratio of pth mode of frequency of vibration of air in two pipes is, देखिए आपको एक खुला और एक बंद organ pipe समान लंबाई के दिए हुए हैं। अब दोनों पाइपों के हवा के कंपन की आवृत्ति के p वे प्रकार का अनुपात होगा। तो देखिए यहां पर ये ओपन, ये तो हो गया ओपन, और ये है आपका क्लोज्ड। अब दोनों की लेंथ सेम, तो इसकी जो PV होगी PV अपॉन 2L होगी, और इसकी PV क्या होगी आपकी, इसमें सिर्फ क्या होती है ओड नंबर ही होती है, तो ये हो जाएगी 2P माइनस 1 V अपॉन 2L हो जाएगी। तो ये बोल रहा है खुला दोनों पाइपों के हवा के अनुपात होगा, तो इनका अनुपात निकालना है, अनुपात निकालना है, तो इनका अनुपात निकालना, तो ये तो जो है आप N1 ले लो, और ये इसकी जो है N2 जो है वो 2P माइनस 1 V upon 4L, ये ले। अब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, तो N1 upon N2 equals to, आप ये V L cancel हो जाएगा, simplify करेंगे, तो ये आ जाएगा 2P upon 2P minus 1. Next question है, find the fundamental frequency of a closed pipe if length of air column is 42 meter, speed of sound in air. ठीक है, तो फंडामेंटल क्लोज पाइप है, पहले क्लोज पाइप बनाते हैं, ये क्लोज पाइप है तो फंडामेंटल मोड तो इस तरीके से बनता है हमारे पास, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस आती है हमारे पास, ये आती है लैम्डा बाई फोर, ठीक है। पहले आप लोग लैम्डा फाइंड कर लेते हैं, फिर लैम्डा बाई फोर आ जाएगा हमारे पास, ये लेंथ आ जाएगी। तो लैम्डा लिखते हुए कितना आएगा, बी इक्वल टू एफ लैम्डा, इसमें दे रखा है फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज पाइप If length of air column is 42 meter, तो हमें lambda by 4 दे रखा है, lambda by 4 हमें कितना दे रखा है 42 meter, frequency आप लिखोगे f, ये आएगा हमारे पास b upon या तो 4l लिख लें, या अब यहाँ से upon 4l डायरेक्ट लिख देते हैं, b upon 4l, या एक मिनट रुको इसको सही करते हैं, L की जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये आ रही है लैम्डा बाई 4, लैम्डा इक्वल टू 4L, या 4L इक्वल टू लैम्डा हो गया, लैम्डा हो गया, ठीक है। अब F इक्वल टू B अपॉन लैम्डा कर दो, F इक्वल टू B अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू 4 B अपॉन ये 4L आ जाएगा। अब इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, बी है बी की वैल्यू 336 4 इंटू 42, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा Two आ जाएगा. Two हर्ट्ज आ जाएगा. Right answer है option one. One option. Next question. Next question is: Doppler shift in frequency does not depend upon option one, the frequency of the wave produced; option two, the velocity of the observer; and option four, distance from the source to the listener. देखिए आवृत्ति के रूप में डोपलर विस्थापन निर्भर नहीं करता, तो हमें पता है जो डोपलर विस्थापन आभासी आवृत्ति होती है वो तरंग द्वारा उत्पन्न आवृत्ति n पर तो निर्भर करती है, ठीक है, स्रोत के वेग पर भी करती है,
और प्रेक्षक के वेग पर भी करती है। ये इस बात पर निर्भर नहीं करती कि स्रोत व प्रेक्षक के बीच में दूरी कितनी है, तो स्रोत व प्रेक्षक के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करेगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द लिसनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सोर्स ऑफ साउंड एस एमिटिंग वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज एंड एन ऑब्जर्वर ओ आर लोकेटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, द सोर्स इज मूविंग विद स्पीड 19.4 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द सोर्स ऑब्जर्वर लाइन एज शोन इन फिगर, द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर। देखो बच्चों, इसमें हमें यह बता रहा है जो सोर्स है वो इस तरह से चल रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ पे, तो इसकी जो स्पीड हमें तो इधर दे रखी है, बी इक्वल टू कितना दे रखा है 19.4 मीटर पर सेकंड। हमें इससे मतलब नहीं है, डॉपलर इफेक्ट बोलता है कि जो कंपोनेंट है, जो लाइन ज्वाइनिंग है सोर्स और ऑब्जर्वर के, उसके अलावा आपको कंपोनेंट लेना है। तो हमने कंपोनेंट लिया, कितना आ जाएगा हमारे पास, बी कॉस 60, तो ये कंपोनेंट इधर आ रहा है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है इसमें, द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर, तो आप फार्मूला लगाओगे एफ इक्वल टू एफ नॉट बी। अब ये ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है, सोर्स इधर चल रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़कर सुनाई देगी, तो आप यहाँ पे लिखोगे बी माइनस बी कॉस 60, बी एस लिख लेते हैं, या एफ नॉट बी माइनस बी Vs, ये Vs दे दो, ये V source, source की velocity Vs है, ये Vs है, तो Vs cos 60 आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, तो ठीक है, वैल्यू जो हमें F नॉट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 100 330, पहले ये 100 और B हमारे पास दिया हुआ है 330 अपॉन ये 330 हो जाएगा माइनस का 19.3 और cos 60 19.4 1/2 ये 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 103 हर्ट्ज आ जाएगा, 103 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एन, द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय हिम इज 2 n, इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकंड देन द velocity of the observer is। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ, एक श्रोता है, वो n आवृत्ति वाले ध्वनि स्रोत की तरफ गति कर रहा है, ठीक है, उसके द्वारा सुनी आभासी आवृत्ति 2 n है। यदि वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो श्रोता की चाल होगी। तो देखिए यहां पर एक श्रोता है, n आवृत्ति वाले ध्वनि स्रोत, तो यहां स्रोत तो स्थिर है, तो ये स्रोत तो आपका रेस्ट पोजिशन पे है, इसकी फ्रीक्वेंसी n, और ऑब्जर्वर जो इसके पास जा रहा है, ठीक है, तो ये इसके पास जा रहा है, अब इसकी आवृत्ति जो आभासी आवृत्ति वो n dash equals to 2 n हो गया, और इसकी वेलोसिटी v नॉट होगी। तो हमें पता है जो आभासी आवृत्ति होगी n dash equals to ये होती है, ऑब्जर्वर पास में जा रहा है, जाएगा तो आवृत्ति बड़ी प्रतीत होगी, तो ये v plus v नॉट और ये नीचे v multiplied by n, ये रिलेशन हो जाएगा। अब n dash की वैल्यू कितनी है, 2 n, v plus आपको क्या निकालना, श्रोता की चाल, तो ये v नॉट एज इट इज, ये v इनटू n, ये n से n क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2v बराबर v प्लस v नॉट, तो रीअरेंज किया तो v इक्वल्स टू v नॉट आ गया, और v नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 332 मीटर पर सेकंड, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 332 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बोला ये व्हिसल सेंड आउट 250 वेव्स इन ए सेकंड, 256 वेव्स इन सेकंड, इफ the whistle approaches the observer with velocity 1/3 of velocity of sound, the number of waves per second the observer will receive। देखो यहाँ पे हमें waves second में दे रखा है, मतलब ये frequency हमें दे रखी है, ठीक है। तो क्या है एक whistle, एक source है, ये मान लो source है और ये observer है, ठीक है, इसको observer लिख लेते हैं O से, और ये जो इधर चल रहा है इसकी जो speed दे रखी है वो मान लो sound की जो speed है वो b मान लेते हैं, ये कितना b/3 से है, ठीक है, ये बोला है कितनी फ्रीक्वेंसी इसको अपीयर होगी, ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग, आपने लिखा एफ इक्वल टू एफ नॉट बी अपॉन बी माइनस बी एस, तो एफ नॉट बी जो है ये तो बी है, बी माइनस बी बाई थ्री या बी बाई थ्री लिखेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा एफ इक्वल टू एफ नॉट, और यहां पे जो आएगा इसको सॉल्व करोगे तो 3/2 आएगा हमारे पास, ठीक है, वैल्यू रख देते हैं इसमें, एफ इक्वल टू कितना है हमें दिया हुआ 256 इनटू 3/2, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 384 आ जाएगा,
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1384 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ट्रेन इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। इट इज ब्लोइंग इट्स विसिल एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्ज। द परसेंटेज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी हर्ट बाय ए पर्सन स्टैंडिंग नियर द ट्रैक एज द ट्रेन पासेस हिम इज स्पीड ऑफ साउंड इज 320 मीटर पर सेकेंड क्लोज टू। तो देखिए आपको यहां पर एक ट्रेन जो है वो सीधी पटरियों पर 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से गति कर रही है। इसकी जो सीटी होगी उसकी आवृत्ति दे दी 1000 हर्ट्ज। ध्वनि की वायु में जो चाल है वो 320 मीटर पर सेकेंड दे दी। अब पटरियों के निकट खड़े एक व्यक्ति पास से ट्रेन के गुजरने पर उस व्यक्ति द्वारा सुनी गई सीटी की ध्वनि की आवृत्ति में प्रतिशत परिवर्तन होगा वो कितना होगा हमें ज्ञात करना। तो देखिए यहां पर ये है आपकी ट्रेन और ये है ऑब्जर्वर। ये इसके पास जब आ रहा है तब आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होगी तो ये तो है आपकी N1। जब ये इससे दूर जाएगा तो इसको इसकी आवृत्ति घटी हुई प्रतीत होगी N2 होगी। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है कि इसकी आवृत्ति में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो यहां पर जो परिवर्तन प्रतिशत में निकालना है तो डेल्टा एन अपॉन प्रारंभ में कितनी है N1 इंटू 100%। प्रतिशत का ही होता है और डेल्टा एन क्या होता है ज्यादा की वैल्यू ही होगी जब इसके पास आ रहा होगा, कम वैल्यू ही होगी। तो यहां पर हो जाएगा N1 माइनस N2 अपॉन N1 इंटू 100%। ये प्रतिशत में 100% होता है। अब आप N1 N2 की वैल्यू पुट करते हैं तो यहां पर ये जब इसके पास में आएगा ये तो आपका ऑब्जर्वर है रेस्ट पोजीशन पे और ये है आपके स्रोत। ये ट्रेन क्या है स्रोत है, पास में आएगी सोर्स। तो ये आपके जो N1 की वैल्यू होगी ये होगी V अपॉन V माइनस VS इनटू इसकी वास्तविक आवृत्ति है N, वास्तविक आवृत्ति है N माइनस ये बेटा यहां पे N आ गया ये आपके N का ये है N का। ठीक है, तो V अपॉन V माइनस VS इनटू N और ये आपके होगा N2 की वैल्यू। तो ये इसके पास आएगी तो ये पास आ रही है तब तो ये वैल्यू होगी, दूर जाएगी तो घटी प्रतीत होगी। तो V अपॉन V प्लस VS इनटू N अपॉन N इनटू 100%। आप यहां पर V की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, V माइनस VS ये सब वैल्यू दी, आप इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट करने के बाद मैं V की वैल्यू पुट कर देता हूं यहां पर 320, V की वैल्यू 320 माइनस VS कितना है 20 और N की वैल्यू है 1000, ये तो कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। माइनस V की वैल्यू कितनी है 320 अपॉन 320 प्लस 20 प्लस 20 और ये 1000 अपॉन डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो राइट आंसर आता है इसका अप्रोक्स 12%, तो लगभग 12% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला ए सोर्स ऑफ साउंड इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय ऑब्जर्वर इज ऑफ 3 टाइम्स द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ऑफ बी मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ सोर्स विल बी। तो इसमें फिर वही हमें डॉपलर इफेक्ट वाला फॉर्मूला लगाना है। मान लो ये सोर्स है और ये यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, अब लोग देखते हैं कौन मूव कर रहा है। सोर्स ऑफ साउंड इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स, मतलब ये इधर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय ऑब्जर्वर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल। अगर ओरिजिनल मान लेते हम लोग N, तो जो यहाँ सुनाई दे रही है N डैश वो कितनी है 3 गुनी है, तो ये 3N हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं N डैश इक्वल टू आएगा N बी बी माइनस बी एस, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 3N 3N इंटू N बी माइनस बी एस, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे 3B माइनस बी एस इक्वल टू बी आ गया। हमसे पूछा क्या गया इसमें स्पीड ऑफ सोर्स, तो ये 3B माइनस 3BS इक्वल टू बी, या बी एस जो आ जाएगा वो 2B बाई 3 आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन फर्स्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन इज मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल एयर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लोकोमोटिव विसिल इज
500 हर्ट्ज एंड द स्पीड ऑफ साउंड इज 345 मीटर पर सेकंड. द अपेरेंट वेवलेंथ ऑफ साउंड इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड द लोकोमोटिव आर रेस्पेक्टिवली. देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है, शांत हवा में एक रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, इसकी सीटी की आवृत्ति 500 हर्ट्ज है एवं ध्वनि की चाल 345 मीटर पर सेकंड है, तब इंजन के भाग के आगे और पीछे आवासीय तरंग दैर्ध्य क्या होगी. तो देखिए यहां पर ये इस तरह से ये आपकी ट्रेन होगी, ठीक है. अब ये जो है शांत हवा में रेलगाड़ी की जो चाल दी हुई है ये 30 मीटर पर सेकंड आपको दी हुई है, ठीक है. और यहां पर इसकी आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी एफ ले लो एन ले लो ये 500 हर्ट्ज आपको दी हुई है. ध्वनि की चाल आपको दे दी 345 मीटर पर सेकंड, तब इंजन के भाग के आगे और पीछे की आवासीय तरंग दैर्ध्य कितनी होगी. तो पहले आगे की निकालते हैं, तो आवासीय तरंग दैर्ध्य लैम्डा डैश क्या हो जाएगा आपका, ये यहां पर इसके दूर जा रहा है यानी कि यहां पर जो है ट्रेन इज मूविंग द फ्रीक्वेंसी, अब ये आगे की तरफ है यानी कि ऑब्जर्वर जो है वो आगे की तरफ है, ऑब्जर्वर आगे की तरफ है, सोर्स पास में आ रहा है उसके, तो ये यहां पर हो जाएगी v माइनस वी एस अपॉन इसके फ्रीक्वेंसी n. ये रिलेशन होगा आपका अपेरेंट वेवलेंथ के लिए, ठीक. तो v कितना है आपका 345 माइनस 30 अपॉन 500. जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 315 अपॉन 500 तो ये आता है 0.63 मीटर. इसी प्रकार से पीछे के लिए तो यानी कि स्रोत पीछे की तरफ हो गया, ये आगे जा रहा है तो ये लैम्डा वन इस केस में लेते हैं तो ये हो जाएगा v प्लस वी एस अपॉन एन. तो v 345 प्लस 30 अपॉन 500 तो ये आपके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 0.75 मीटर. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 0.63 मीटर एंड 0.75 मीटर. तो ये हमारा जो है फिजिक्स इको फॉर नीट 2021 टेस्ट 11 का जो है डिस्कशन ओवर होता है. तो बच्चों आपने ये हमारा जो डिस्कशन था ये वेव थ्योरी डॉपलर इफेक्ट एंड वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया है. अपने लोग अब जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें गुरुनीति आपको देखनी है, प्रीवियस ईयर के वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं यूट्यूब पे वो आपको देखने हैं, बिल्कुल. और नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है जो डीसीएम 28 जून से स्टार्ट होने वाली है. ये जो टेस्ट सीरीज होगी ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, ये आपके जो नीट की रैंक को इंप्रूव करने के लिए काफी आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है. तो आप लोग ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ठीक. तो इस सेशन को यहीं ओवर करते हैं, थैंक यू.